दोस्तों वैसे तो सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पर लेकिन फिर भी ये एक ऐसी वीडियो है जो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक शॉर्टकट प्रोवाइड कराती है कि हाँ आप लोगों ने अगर पूरे महीने किसी न किसी रीजन की वजह से जो करंट अफेयर मिस कर दिया है तो ये आप लोगों का वो जो गैप है ये फिल करने का काम करती है ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर नेशनल इंटरनेशनल या फिर जो भी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के इंडेक्स होते हैं या कोई गवर्नमेंट स्कीम है या कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन जो भी यहाँ पर बेसिकली न्यूज होती है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की जो कि करंट में चल रही होती है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। पूरे महीने का जो निचोड़ होता है वो इस वीडियो में आप लोगों के सामने निकल कर आता है। हर एक एग्जाम के लिए वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। लेवल थोड़ा सा हाई रखता हूँ वीडियो का ताकि आप लोग एक भी पॉइंट जो है वो मिस न कर सके। तो पूरा कंपाइलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हालांकि ये काम सबके बस के नहीं होता है, पर लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसमें जरूर एक तरीके से परिपूर्ण होंगे कि पूरी वीडियो जो है वो टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी वीडियो देख पाते हैं, आधे लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। ना तो पढ़ने की आदत होती है ना सुनने की आदत होती है, तो उनको लगता है यार पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो पेशेंस के साथ में सुनेगा, जो इंटरेस्ट के साथ में सुनेगा, जिसको करंट अफेयर को समझना है और अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर से आप लोगों को प्यार हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, पर लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती प्यार और पढ़ाई किसी के साथ में नहीं किया जा सकता, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, तो बड़े ही अच्छे से सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यार से। लगभग 2 घंटे की वीडियो रहने वाली है, तो अगर पूरा करंट अफेयर आप लोगों को 2 घंटे में वो भी एक सिंगल वीडियो के अंदर मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये आप लोगों के साथ में कोई गलत सौदा होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बेसिकली गुजारिश कर रहा हूं कि अगर वीडियो देखने बैठ चुके हो तो पूरी देखेगा, और अगर आप लोगों ने पूरी देख ली तो ये समझिएगा बहुत सारे लोगों से आप लोग वैसे ही आगे निकल गए। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो अक्सर जब प्रॉब्लम आती है या कोई बड़ा काम करना होता है उसको क्विट कर भाग जाते हैं, पर लेकिन आप लोगों को एक काम नहीं करना है, आप लोगों को एंड तक बने रहना है। और जब एंड तक आप लोग पूरी वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो शीशे के सामने जाकर अपनी पीठ थपथपाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आगे आप लोग इसको पूरी कर ही निकल चुके हो। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा डिस्कशन रहेगा, सारी बातें एक एक डिस्कस करूंगा डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता दूं, अगर आप लोगों का करंट अफेयर बचा हुआ है और आप लोगों ने अब तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया और आप लोगों को लग रहा है यार ये सारा कंप्लीट कैसे होगा, तो सारी करंट अफेयर की जो वीडियो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इवन आप लोगों को यहाँ पर एक एक वीडियो अगर साथ में बात करेंगे, और अगर आप लोगों का पूरे साल का पीछे का भी करंट अफेयर बचा है तो वो भी मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक महीने की, आप लोग 2020 तक यहाँ पर देखते हैं, 2020 की भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, नवंबर 2020, दिसंबर, इसके बाद में फिर आप लोगों को सारी वीडियो एक एक कर यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। हर एक महीने की एक भी दिन की जो पीडीएफ है वो मिस नहीं है और एक भी दिन की वीडियो मिस नहीं है। सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, उनको जाकर डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इस साल की जनवरी और फरवरी की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, थोड़ा सा डिफरेंट थंबनेल है जो कि आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो ये टेलीग्राम पर इकट्ठा मिल जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर पिन कर दी गई है। जैसे आप लोग यहाँ पर जाएंगे ऊपर ये पिन कर रखे हैं मैंने सारे कमेंट। ठीक है, तो सारी वीडियो कैसे आईएएस बनना है, कैसे प्लान बनाना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, किस तरीके से आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने पिन कर रखी है टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर पॉलिटी जो मैंने कंप्लीट कराई है उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और यहीं पर ही आप लोगों के लिए सारी चीजें जो है बेसिकली ये 1 ईयर की जो मैंने कवर की थी लास्ट ईयर, वो भी आप लोगों को यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी अगर किसी को देखना है तो। ठीक है, क्योंकि देखिए यूपीएससी हमेशा कोशिश करता है कि आप लोगों से लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाए। ठीक है, और सारी पीडीएफ भी आप लोगों के सामने है। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब अपनी वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से वीडियो सुनेगा एक एक पॉइंट को। ठीक है, ये न्यूज निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से और ये ऑलरेडी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसके बारे में? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में। अभी न्यूज में किस लिए था वो मैं आप लोगों को बताता हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था एक रिजोल्यूशन, और उसमें उनके द्वारा ये बोला गया था कि यहां पर वो सुगर मिल को बेसिकली पे सुगर मिल के लिए यहां पर अलाउ करेंगे पे करने के लिए बेसिक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको एफआरपी आप लोग बोलते हैं। एफआरपी क्या है इसको अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले यहां पर ये समझते हैं कि बेसिक फंडेस के पीछे क्या देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में एक कमीशन है, कमीशन बेसिकली एक ऐसी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, और काउंसिल, काउंसिल वो होती है जो बेसिकली चुनकर आती है। तो कमीशन और काउंसिल में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये हमारी कंट्री में सेटअप किया गया था 1965 में, और ये डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहां से निकल के आता है। तो वहां पर यही बेसिकली इस चीज को डिसाइड करता हुआ नजर आता है।
ये किसके द्वारा चेयर किया जाता है, तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब यहां पर कोई इस तरीके से क्रॉप के बारे में बातें करता है तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर है वो एक वो यहां पर इसको बेसिकली उसके थ्रू यहां पर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक स्टेचुटरी पैनल आप लोगों को यहां पर नजर आता है। और यहां पर जो CACP है यहां पर ये एक एक्सपर्ट बॉडी है जो कि रिकमेंड करती है कि भाई साहब ये MSP प्राइस आप लोग रख दीजिए खासकर खरीफ और रबी क्रॉप के लिए। और हमारी कंट्री में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो यहां पर फिर चीजों को आगे लेकर चलती है। तो नॉर्मली ये तो हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में, हम लोगों ने जो नॉर्मली जो खरीफ और रबी क्रॉप होती है उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या होता है, ये होता है MSP। पर लेकिन जब यही MSP हम लोग सुगर कैन यानी कि गन्ने के बारे में बात करते हैं तो वहां पर चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वहां पर इसको MSP ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि FRP हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेगा क्योंकि सुगर कैन जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, एक कैश क्रॉप है यानी कि किसान जो है काफी हद तक इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं और इससे पैसा कमाते हैं यहाँ पर। तो हमारी कंट्री में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य है जहां पर ये फसल उगाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक जो है वो तीसरे नंबर पर है, तमिलनाडु जो है वो चारवें नंबर पर है चौथे, और यहाँ पर बिहार जो है पांचवें नंबर पर है। और इंडिया जो है दुनिया में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ब्राजील के बाद में दूसरे नंबर पर हमारी पोजीशन यहां पर आती है। इसको उगाने के लिए अगर ज्योग्राफिकल कुछ कंडीशन आप लोगों से पूछे कोई सिचुएशन अगर इसके बारे में, तो टेम्परेचर 21 से लेकर 27 ये बेसिकली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेनफॉल लगभग 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर और सोयल टाइप जो है ये डीप रिच लूमी सोयल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बातें यहां पर बताता हूं ताकि क्वेश्चन आप लोगों का न छूटे। ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है यहां पर ये टोटल मिलाकर 23 ऐसी फसल है जिनके बारे में यहां पर बातें बताता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर यहां पर बनाई गई और एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नमेंट को बताती है कि आप लोग ये काम कर सकते हैं, पर लेकिन ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये काम करना है या फिर नहीं करना है। और गन्ने के लिए बात करें तो FRP आप लोग के सामने है, जो 23 के 23 क्रॉप है वो यहां पर इनको रटना नहीं है, याद रखिएगा बेसिकली फंडा ये याद रखिएगा बस यहां पर बाकी की जो क्रॉप है यहां पर वो एक अलग तरीके से उनके लिए MSP डिसाइड किया जाता है और गन्ने के लिए यहां पर हम लोग फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखेगा, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस भी इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रंगराजन कमेटी जो थी उसके द्वारा डिसाइड किया गया था यहां पर कि ऐसा कुछ डिफरेंट होना चाहिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। और यहां पर भी ये दो तरीके से डिवाइड होता है, मतलब अब थोड़ा सा समझिएगा यहां पर। देखिए हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसको डील करती है। हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे तो सातवें शेड्यूल में तीन लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र की सूची, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्टिनेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो जो गन्ना यानी कि एग्रीकल्चर जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है बेसिकली कहां पर, स्टेट की सूची में। तो यहां पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर दिया कि यहां पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस मान लीजिए 200 रुपए होगा, ठीक है, पर क्विंटल के हिसाब से। अब फिर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर फिर बोलती है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश ने बोला 50 रुपए ऐड कर दिए तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का प्राइस जो है वो 250 रुपए हो गया, पंजाब ने बोला हम लोगों ने 150 रुपए ऐड कर दिए तो पंजाब में जो गन्ने का प्राइस होगा पर क्विंटल वो 350 रुपए होगा। तो इस तरीके से यहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा डालकर फिर यहां पर अपने अपने एरिया में जो गन्ने का प्राइस जो है वो डिसाइड करती है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया था रंगराजन कमेटी के द्वारा। अब हमारी कंट्री में एक बात याद हो रही है, यहां से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि स्टेट का जो यहां पर प्राइस होगा वो हमेशा ज्यादा होगा जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस बताया गया है, क्यों, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो राज्य का है वो आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है। और जो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो यहां पर अभी बात की इसके बारे में, ये यहां पर अपनी रिकमेंडेशन देता है और फिर यहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते हैं वो यहां पर फिर यहां पर इसका अनाउंस करते हैं कि ये इनको बेसिकली एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अगर पुराना पेपर आप लोग उठा के देखोगे तो कईयों क्वेश्चन आप लोगों से इन तीन स्लाइड में से ही आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक पर्पज मेरा ये रहता है पढ़ाने का आप लोगों को, किस तरीके से पढ़ाया जाए कि क्वेश्चन कोई ना छूट पाए, आप लोग एग्जाम में बैठो तो ये बोलो कि हाँ यार हम लोग SLV फैमिली के मेंबर है, करंट अफेयर वहां से कवर किया, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। और अगर आप लोग रेगुलर वीडियो सुन लेते हैं ना तो भाई साहब ये वीडियो जो है आप लोगों को सोने पे सुहागे का काम करेगी, यानी कि जो दो वीडियो रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलती है अगर उनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए रिविजन का काम करेगी। तो आप लोग समझ सकते हैं, बाकी आप लोग खुद डिसाइड कीजिए आप लोगों को कैसे लेकर चलना है। एक स्कीम आप लोग यहां पर तैयार करा देता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं PM किसान स्कीम। यहां पर ये वो स्कीम है जब 2019 में इलेक्शन आने वाले थे उसके जस्ट पहले यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी,
और यहां पर किसानों के खाते में 6,000 रुपए पर ईयर सेंड करने की बात की थी, 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में ये पैसा सेंड किया जाएगा, ऐसा बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे आप लोगों को डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछूं कि यहां पर ये जो स्कीम है कैसी स्कीम है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पैसा कितना चला गया ये आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, पर हाँ ये आप लोगों से जरूर पूछेंगे कि ये कैसी स्कीम है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर याद रखने वाला वो ये है कि कहने के लिए तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, पर लेकिन रियलिटी में जो इंप्लीमेंट की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट की जाती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही यहां पर जो डेटा इकट्ठा करती है कि किस किस इंसान को यहां पर इसका फायदा पहुंचना है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 100% यहां पर पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोला जाता है। दूसरी टाइप की स्कीम होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो स्पॉन्सर्ड में यहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, इसलिए उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बोलते हैं। तो दोनों टर्म्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग बजट भी पढ़ते हैं, बजट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों ने सुनी होगी, तो बजट में मैंने बताया था यहां पर कि सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें भी अलग अलग तरीके से पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो जरूर देखना अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस कैंडिडेट की तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसको ऑपरेशन किया गया था बिल्कुल ये मानिए कि बस बिल्कुल नहीं, एंड में ही बिल्कुल 2019 में, इनके दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया, और बोला गया यहां पर हर किसान के खाते में बेसिकली 6,000 रुपए दिए जाएंगे, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां पर फैमिली ऑफ हस्बैंड वाइफ या फिर माइनर चिल्ड्रन जो है उसके हिसाब से यहां पर फैमिली डिसाइड की जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चे की शादी हो रखी है वो भी यहां पर फैमिली में काउंट होगा, वो अलग हो जाता है। इनकम जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के ऊपर फोकस देने की बात की गई, और एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लगाएगी ताकि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। पीएम किसान ऐप भी बनाया गया इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि प्रॉपर यहां पर सही इंसान को सही चीजें खाते में पहुंच सके। हमारी कंट्री में छोटी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं जो कि आप लोग क्लियर कर पाएंगे, हालांकि अगर रेगुलर वीडियो सुन रहे हैं तो पहले भी ये मैं कई बार बता चुका हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग जमीन के बेस पर किसानों को डिसाइड करते हैं तो पहले होते हैं मार्जिनल, दूसरे होते हैं स्मॉल, तीसरे होते हैं सेमी मीडियम, और चौथे होते हैं मीडियम, और पांचवे होते हैं लार्ज। इनके पांच तरीके से यहां पर हम लोग इनको डिसाइड करके रखते हैं कि किस किस बेस पर यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो जो पहला है मार्जिनल, उसका मतलब ये हो गया कि एक हेक्टेयर से नीचे अगर जमीन है यहां पर, एक हेक्टेयर या फिर उससे नीचे, तो ये मार्जिनल कैटेगरी में आएगा। स्मॉल बोलते हैं एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर के बीच में होगी तो स्मॉल कैटेगरी में बोलेंगे। सेमी मीडियम जो होता है वो 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मीडियम जो होता है वो 4 से लेकर 10 हेक्टेयर, और लार्ज जो होता है वो आप लोगों को 10 हेक्टेयर से ज्यादा। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार बन जाता है। तो अगर आप लोगों को ये चीजें पता है, और खासकर अगर आप लोग ऐसी फैमिली से आते हैं जो कि किसान की फैमिली है, तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में रख के नहीं चलना है। डिफेंस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनडीए सीडीएस, या फिर अगर असिस्टेंट कमांडेंट, या फिर डायरेक्ट अगर आप लोग किसी कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें, तो यहां पर इस एक्सरसाइज के बारे में आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आप लोगों से यहां पर एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाता है अपनी कंट्री की डिफेंस के बारे में, किसी और कंट्री के साथ में रिलेशन के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर इसका लेटेस्ट एडिशन अभी देखने को मिलेगा, इसका नाम बेसिकली मिलान एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोगों से कई बार यहां पर पूछ लेते हैं, तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये जो एक्सरसाइज है ये अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, कहां पर? विशाखापट्टनम, कहां पर? जिसको हम लोग बेसिकली आंध्र प्रदेश में देखेंगे, और उसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी आप लोग बोलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सिटी ऑफ डेस्टिनी किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं विशाखापट्टनम को। मिलान एक्सरसाइज जो अभी आप लोगों को देखने को मिली, ये स्टार्ट हुई 25 फरवरी से। ठीक है, बेसिकली 25 फरवरी से 28 फरवरी इसका पहला फेज चला, और फिर यहां पर 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक का इसका दूसरा फेज चला। जो 25 फरवरी से ये चली उस टाइम पर यहां पर ये आप लोगों को जमीन पर देखने को मिली, यानी कि बेसिकली समुद्री किनारों पर, और फिर यहां पर ये क्या हुआ, ये बेसिकली सी फेज में इसका बेसिकली आवागमन हुआ। तो विशाखापट्टनम अगर आप लोगों को बोलूं तो सीधा सीधा ये बोलेगा कि अपनी कंट्री का जो मैप होगा, इधर हो गया आप लोगों का अरेबियन सी, और इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड में आप लोगों को ये एक्सरसाइज देखने को मिली। इसी के साथ में अगर थीम के बारे में बात करें, तो यहां पर जो थीम है इसकी, इसको बात करें यहां पर कोमेमोरेटिव, ठीक है इसी के साथ में कोहेशन, और इसी के साथ में कोलैबोरेशन, यानी कि कॉमरेड नहीं होता, आप लोगों ने मूवी में सुना होगा कॉमरेड मूवी थी साउथ इंडिया की। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली एक होता है भाईचारा, ठीक है, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो भाईचारा, इसी के साथ में एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना, ठीक है, तो सामंजस्य बना के रखना और सहयोग बना के रखना, ये इसकी थीम थी जो भी एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली। और ये जो एक्सरसाइज होती है ये 2 साल में एक बार आप लोगों के सामने निकल कर आती है। स्टार्ट की गई थी 1995 में अंडमान निकोबार। ये अभी बात करें यहां पर, इसमें पार्टिसिपेट कई सारी और कंट्री करती हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहां पर इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड।
तो यहां पर ये कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, पर लेकिन फिलहाल जब ये 1995 में हुई तब यहां पर ये कंट्री, पर लेकिन अभी इसकी संख्या बढ़कर जो है 2014 में ये 18 हो गई थी और अभी इसकी संख्या जो है बढ़कर 40 हो गई है। तो ये एक काफी धांसू तरीके की एक्सरसाइज आप लोग बोल सकते हैं अब हो चुकी है, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में बन सकते हैं। और अगर इन कंट्री से डिफेंस रिलेशन के बारे में कोई लिखने के लिए कोई पूछे आप लोगों से एग्जाम में आंसर राइटिंग जब आप लोग लिख रहे हो, तो वहां पर भी आप लोग डिफेंस रिलेशन में इस एक्सरसाइज का नाम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, यूपीएससी कई बार आप लोगों से थीम पूछ लेती है, तो कॉमरेडरी, कोहेसन और कोलैबोरेशन ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, C3 या फिर C3 भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है पता रहना चाहिए। एक और स्कीम काफी इंपोर्टेंट जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में थी और इसके बेस पर एक और स्कीम थी जो कि ऑलरेडी चल रही थी, तो दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप लोगों से दोनों से क्वेश्चन पूछे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। पहले अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर जो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहां पर बेसिकली गोबर धन यहां पर स्कीम इनोग्रेट की गई थी, पर लेकिन रिसेंटली अभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिला जिसको बोला गया बायो सीएनजी प्लांट। ठीक है, तो यानी कि यहां पर इसके बेस पर सीएनजी प्लांट की भी यहां पर बात की गई। इसका एम ये है यहां पर जो भी गार्बेज होता है हमारे देश के अंदर में उसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए और जो पोल्यूशन होता है उसको भी कम किया जाए, खासकर जिसकी वजह से कई बार बीमारी पहुंचती है। तो हमारी कंट्री में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको बोला गया था गोबर स्कीम, गोबर धन बोला गया था बेसिकली। गोबर स्कीम की फुल फॉर्म ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बोलते हैं कि इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताओ, अगर फुल फॉर्म बताओगे तो कोई टेंशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो गोबर का मतलब होता है बेसिकली गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी फुल फॉर्म। और धन जो स्कीम है यहां पर इसके नाम लगा दिया, और ये जो स्कीम है यहां पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल जो हरियाणा के अंदर है यहां पर इसको लॉन्च किया गया था। बेसिक पर्पज ये था कि गांव में अगर नॉर्मली आप लोग जाओगे तो जो सी भैंसा और जो बुग्गी वगैरह ये यूज करते हैं और सड़कों पर कई बार क्या रहता है गोबर वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो उसके चलते यहां पर सड़कों पर भी स्वच्छता बनी रहे और इसी के साथ में यहां पर स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। तो अभी यहां पर इसका नेक्स्ट वर्जन देखने को मिला कि कंपोजिट जो बायोगैस है और बायो सीएनजी उसको कैसे बना सकते हैं यहां पर जो भी ये सॉलिड वेस्ट रहता है जो बेसिकली गाय भैंस का जो गोबर रहता है उसका यूज करके, तो इससे जो गांव पर दो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। पहला क्या होगा, एक तो एनर्जी मिल जाएगी बेसिकली आसानी से, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये रहेगा साफ स्वच्छता भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये वही बात होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम वो वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इससे गांव वाले एरिया में लोगों के रोजगार भी क्रिएट होंगे और खासकर फार्मरों के पास में जो हम लोग बात करते हैं कि फार्मरों की इनकम डबल करनी है 2022 तक का, तो वो तो देखो होती है या फिर नहीं होती है, पर हाँ ये है कि और इनकम का स्रोत यहां पर किसानों की झोली में गिरता हुआ नजर आएगा। वेस्ट को उठाया, वेस्ट को कलेक्ट किया, ले गए इसको प्लांट के अंदर में, प्लांट में वेस्ट को फिर यहां पर प्रोसेस किया और फिर इससे फ्यूल गैस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो बेसिकली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी का भी यहां पर आप लोगों को एक स्रोत नजर आएगी जिससे कि काफी ज्यादा फायदेमंद आप लोग चीजें यहां पर बोल सकते हैं, एनवायरमेंट को भी यहां पर कम नुकसान पहुंचाएगी। ये पूरा प्रोसेसर अगर आप लोग थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो ये बायोगैस साइकिल है जो यहां पर आप लोगों को बेसिकली बताई गई है। ठीक है, तो नॉर्मली यहां पर इसको आप लोग देखते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है यहां पर डाला जाता है, यहां पर लिखा हुआ है एनोरबिक बेसिकली डाइजेशन। एनोरबिक मतलब ऐसे यहां पर जो बेसिकली जीवाणु होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अपना काम करते हैं और फिर यहां पर गैस निकल कर आती है, तो इससे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं और जो वेस्ट बचता है उसको हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पर भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, ये काफी एक अच्छी खाद भी मानी जाती है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में लेकर नहीं जाना है। अगर टॉपिक को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जब जब कोई ऐसी न्यूज आती है तब तब यहां पर कहीं ना कहीं लगता है कि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रीजन क्या है उसके बारे में आप लोगों को भी बताऊंगा। पेन जो है ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ग्रीन पेन से है ना, ये येलो से ही लग रहा है मुझे, ग्रीन ज्यादा बेटर लग रहा है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, बातें करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया कंपेन जिसका नाम है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। यानी कि अगर बात करें हमारी कंट्री एक ऐसी डाइवर्स कंट्री है जहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि कोस कोस पर बदले वानी सवा कोस पर पानी, यानी कि एक तरीके से जरा सी दूर आप लोग जाओगे तो लोगों की भाषा बदल जाती है, थोड़ा सा और दूर जाओगे पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, ऐसे देश में हम लोग रहते हैं। तो वहां पर एक डाइवर्स कंट्री के अंदर में अगर हम लोग ढंग से सही तरीके से अगर अपने देश के अंदर में हम लोग कहीं ना कहीं सारी लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, तो यही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत यहां पर इसको सपोर्ट करने की बात की थी। भाषा सर्टिफिकेट सेफ्टी जो भाषा सर्टिफिकेट जो सेल्फी है ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम ये था कि भाषा संगम को बेसिकली प्रमोट करना है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसी के साथ में जो माई गव जो इंडिया है यहां पर उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
बेसिक पर्पज यहां पर यह था कि जो लोग हैं वो अलग अलग भाषा जो है वो सीखने की तैयारी करें। इस ऐप के थ्रू यहां पर भाषाएं सिखाई जाएंगी और टोटल मिलाकर जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। 8वें संविधान के शेड्यूल के अंदर में जब आप लोग जाएंगे टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है। याद रखिएगा ओरिजिनली यहां पर 22 लैंग्वेज नहीं थी, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। ओरिजिनली यहां पर ओनली 14 एनके 14 लैंग्वेज थी, फिर यहां पर 8वें शेड्यूल में 8 लैंग्वेज और ऐड की गई तो आज की डेट में टोटल 22 लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा 8वें शेड्यूल में 8 लैंग्वेज और ऐड करके 22 लैंग्वेज बना दी। अब ये 22 लैंग्वेज जो है जो भी इंडियन सीखना चाहता है वो यहां पर सीख सकता है। तो 100 प्लस सेंटेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि डेली यूज के हैं। मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और आप लोगों को लगता है कि यहां पर गुजराती सीखनी है तो आप लोग यहां पर आसानी से उसको सीख सकते हैं। इसी के साथ में तमिलियन, आप लोग अगर तमिलियन एक तरीके से तमिल अगर नहीं कई बार ऐसे घूमने जा रहे हैं चलो थोड़ी सी लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो कम से कम बेसिक चीजें खाना पीना अगर आप लोगों को लेना है, पानी आप लोगों को चाहिए, तो मुझे लगता है इतना तो सीख ही लेना चाहिए। तो एक अच्छा तरीका है, ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसके बेस पर यहां पर आप लोग कहीं ना कहीं अपने देश की लैंग्वेज जो है वो समझ पाएंगे और सीख भी पाएंगे। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का इनिशिएटिव है यहाँ पर, जहां से क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्रोग्राम क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, शेड्यूल लैंग्वेज के लिए लॉन्च किया गया, तो बेसिक पर्पज क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो एक बार पढ़ो और फिर मौज करो। अभी एक कानून जो था वो काफी ज्यादा न्यूज में आ गया तो इसके बारे में तो बताता हूँ, फिर इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के बारे में बात की जा रही है 2021 का। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट मतलब जो हमारे देश के ट्रिब्यूनल है उनमें रिफॉर्म लाने की बात की गई। ट्रिब्यूनल एक तरीके का कोर्ट ही होता है, बस यहां पर ये रहता है कि जैसे कोर्ट काम करता है ये वैसे काम नहीं करता है। यानी कि कोर्ट जो है उसमें लगभग 3.5 करोड़ हमारे देश में आज के दिन केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, पर लेकिन ट्रिब्यूनल क्या काम करता है, ये झट मंगनी पट बिहा वाला काम करता है। तो इसका ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रिब्यूनल क्या करते हैं यहां पर, बेसिकली ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कोर्ट के तरीके से डिसीजन देता है, पर लेकिन इसके डिसीजन को हम लोग अवार्ड बोलते हैं और यहां पर कोर्ट के डिसीजन को हम लोग जजमेंट बोलते हैं। यानी कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं अगर इसके बारे में डिफरेंस पूछ ले ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बारे में तो इनको आप लोग बोल सकते हैं। डील करता है स्पेसिफिक केस, जैसे कि एनजीटी हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो एनवायरमेंट के मैटर देखता है, तो ऐसे स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। अब कोर्ट तो भाई साहब क्या है, ये तो यहां पर महामहिम है, जो चाहो आप लोग वो यहां पर केस लेकर जा सकते हो। इसमें जो पार्टी है वो एक तरीके से अपने आप को मिलकर लिखे ट्रिब्यूनल जो है वो मे बी द पार्टी टू द डिस्प्यूट, पर लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं रहता है, वहां पर सब सारी चीजें इंडिपेंडेंट रहती है। यहाँ चेयरपर्सन अदर मेंबर होते हैं, यहाँ पर जज होते हैं, यहाँ पर जो बेसिकली कोड ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है, ओनली नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है और यहाँ पर पूरा कोड ऑफ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि 1908 का है, तो ये याद रखिएगा। अभी इसके ऊपर एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर फॉलो करता है 1908 का, तो वो स्टेटमेंट गलत थी जो मैंने आप लोगों को कई बार क्वेश्चन भी पढ़ाया, ठीक है, तो वो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आगे भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि अगर पता चला जो यहां पर हमारी कंट्री में ट्रिब्यूनल है, अगर ट्रिब्यूनल जो है वहां पर इस तरीके से काम करने लगे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, तो फिर यहां पर कहीं ना कहीं एक जस्टिस सिस्टम को थ्रेट हो जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे केस होते हैं जो ट्रिब्यूनल देखते हैं यहां पर इनिशियल फेज में और आगे चलकर कोर्ट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर दिक्कतें निकलकर नजर आ सकती हैं अगर इनकी इंडिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो गवर्नमेंट कई बार ट्रिब्यूनल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, चाहे उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें वहां पर और चाहे उसकी बेसिकली सैलरी कंडीशन वो सब चीजों के बारे में, तो ये सारी गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। क्या ट्रिब्यूनल जो है वो हमारे संविधान में कहीं पर है, अगर ये संवैधानिक बॉडी है या फिर असंवैधानिक बॉडी है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं आप लोगों को सारी बातें बताता हूं। वीडियो को पॉज करने के लिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आंसर देकर फिर आप लोग वीडियो को आगे सुन सकते हैं। इंपोर्टेंट बात क्या है यहां पर, अगर बात करें तो ओरिजिनली जब हमारा संविधान बनाया गया और उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो उस टाइम पर ट्रिब्यूनल जो था वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं था, फिर बाद में हुआ। जी हाँ बिल्कुल बाद में हुआ, यहाँ पर बाद में हम लोगों ने यहाँ पर इसको बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर लेकर आए और जब लेकर आए वो टाइम जो था थोड़ा अच्छा नहीं था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। 1975 से लेकर 77 तक जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी तो उस टाइम पर 1976 में हमारे देश में संविधान में संशोधन किया गया और 2 आर्टिकल यहां पर ऐड किए गए, आर्टिकल 323 के अंदर में, यानी कि अनुच्छेद 323 के अंदर में 2 नए अनुच्छेद ऐड किए गए। पहला अनुच्छेद है यहां पर ये बेसिकली 323A है, ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, यानी कि जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर को यहां पर देखेगा। आर्टिकल 323B जो है ये डील करता है बेसिकली अदर मैटर्स के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें यहां पर जो आर्टिकल 323A है उसमें ओनली पार्लियामेंट ही उसको एस्टेब्लिश कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और बाकी दूसरे वाला जो है 323B उसमें सारे मिलकर काम कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां ओनली सेंटर इसको बना सकता है, बाकी यहां पर ये आराम से इसमें काम कर सकते हैं।
ये याद रखेगा। और यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेरी, जो यहां पर हायरार्की जैसे कि कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट है सबके पापा हो गए और फिर नीचे को यहां पर चीजें चलती हैं, ऐसा ट्रिब्यूनल में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से क्रिएट किया था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल है यहां पर, अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं ना, यहां पर आर्टिकल 323A वाले में, क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंटर क्रिएट करता है ओनली। जबकि आर्टिकल 323B के अंदर जो है हायरार्की ऑफ द ट्रिब्यूनल में भी क्रिएटेड, यानी कि यहां पर अपने हिसाब से अगर लगे क्रिएट की जा सकती है, पर ए वाले में क्रिएट नहीं की जाएगी। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि बी वाला जो है वो यहां पर ऐसे सिस्टम में भी आ सकता है। तो बेसिक चीजें हैं यहां पर, क्वेश्चन यहां से ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है इसके संविधान संशोधन के बारे में, कौन सा आर्टिकल कब ऐड किया गया, इसके चलते यहां पर किस आर्टिकल में क्या आता है। तो ये ऑलरेडी ट्रिब्यूनल के बारे में बेसिक सारी चीजें मैंने बता दी, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन को यहीं पर ही छोड़ के जाना जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, वरना कि एक तरीके से आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर माइंड लेकर जाना है वीडियो सुनने के साथ में। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा न्यूज में अभी छाया रहा है यहां पर, बेसिकली रशिया के अटैक की वजह से। तो इसकी वजह से यहां पर इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब जब भी इंडिया से पूछा गया यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन के बेसिकली आप लोगों को जब वोट डाली गई यहां पर यूएन जनरल असेंबली या फिर यूएनजी के अंदर में, तो हमेशा हम लोगों ने यहां पर एब्सटेन किया मैक्सिमम टाइम। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ना तो हम लोग फेवर में वोट करेंगे, ना ही हम लोग अपोज में वोट करेंगे। तो हम लोग अपने घर बैठे रहेंगे और मजे में हम लोग अपना एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो हमारी कंट्री ने बार बार ऐसा किया यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, जब एब्सटेन किया तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर बातें बोली इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया गया कि यहाँ पर काफी गलत तरीके से हम लोग अपने स्टेप उठा रहे हैं। पर लेकिन हम लोगों ने ऐसा भी नहीं कि हम लोगों ने बिल्कुल ही ये बोल दिया, हम लोगों ने बोला कि डीप कंसर्न की बात है कि जैसी सिचुएशन यूक्रेन के ऊपर बन रही है तो यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए। हमारा बेसिक फंडा ये था कि जो यहाँ पर यूएन जो जनरल असेंबली है, ठीक है, या फिर यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है उसमें इसका सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि उसके बाहर सोल्यूशन निकले यहाँ पर। तो वो फंडा आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग याद रखिएगा। अगर वीटो के बारे में बात करते हैं तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 27 है, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि यूएन के अंदर में जो वीटो पावर होती है वो उसके चार्टर में किस आर्टिकल में रखी गई है। फिर से आप लोगों को बता दूं, चार्टर यहां पर बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे हमारा संविधान है, ऐसे यहां पर ये यूएन का चार्टर जो है वो उसका संविधान कहलाता है। इनके संविधान का आर्टिकल 27 जो है वो वीटो पावर देता है, और वीटो पावर ओनली 5 ऐसे देश है जिनको मिली हुई है। ये 5 देश को वीटो पावर है, और ये 5 देश है जो कि अगर इनमें से एक भी देश चाहे कोई काम नहीं होगा यूएन के अंदर में तो वो काम नहीं होगा। वीटो पावर का मतलब यही है कि सारे मिलकर अगर एक काम पर हामी भरेंगे तो वही काम वहां पर हो पाएगा, वरना और कोई काम कंप्लीट नहीं होगा। तो वीटो पावर यहां पर चाइना, यूएसए, रसिया, यूके और इसी के साथ में फ्रांस, 5 देश के पास में देखने को मिलेगी। बाकी ये कुछ ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी यहां पर ऐसे कैंडिडेट के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया कितनी बार यहां पर मेंबर बन चुके हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहली बार 1950, दूसरी बार 1967, तीसरी बार 1972, चौथी बार 1977, पांचवी बार यहां पर बेसिकली 1984, पांचवी छठी बार यहां पर 1991, सातवीं बार यहां पर 2001, अभी हम लोग 8वीं बार यहां पर मेंबर हैं। ये पर्सनैलिटी कौन है, देखता हूं कौन पहचानते हैं, तो पहचानो कौन में आप लोगों को यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी यूनाइटेड नेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, यूएन जो जीए है, यूएन जनरल असेंबली, ठीक है, उसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो टोटल मिलाकर 193 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं। पर लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं इसे कैबिनेट के अंदर डिसीजन लेने वाली बॉडी, ऐसे ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यहां पर इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट है और बाकी के 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंटोनियस गुटेरेस साहब जो है वो यहां पर आप लोगों को सेक्रेटरी जनरल है, आगे देखते हैं कौन बनता है। बाकी यहां पर यूएन चार्टर जो है 26 जून 1945 में लाया गया, और यहां पर जो इसको फोर्स में इंप्लीमेंट किया गया 24 अक्टूबर 1945 में। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो मुझे लगा कि डिटेल में आप लोगों को यहां पर ये चीजें कवर करा देता हूं। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको यहीं पर ही छोड़कर जाना है। और लेक्चर अगर आप लोगों को लगता है कि काफी फायदा है आप लोगों को पढ़ाया रहा है तो फीडबैक आप लोग जरूर दे सकते हैं। फीडबैक देने के 3 तरीके हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो तीनों में से जो भी तरीका आप लोगों को सुटेबल लगे उसके बारे में जरूर बताना, और वीडियो के एंड में आप लोग फीडबैक जरूर देना कि इस वीडियो को अगर 10 में से मार्क्स देने की बात है तो कितने मार्क्स आप लोग दोगे। ये एक फीडबैक होता है जिससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ वीडियो जो है वो सही लग रही है आप लोगों को, या फिर कुछ भी अपग्रेड करना हो तो भी आप लोग यहां पर बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके साथ में यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने मिलकर यहां पर एमओयू साइन किया। तो एमओयू क्या होता है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, एक तरीका एग्रीमेंट है जिसमें ज्वाइंटली इनके द्वारा बोला गया कि सस्टेनेबल सिटी और सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि हमारे देश में जो सिटी है उनको एक तरीके से डीकार्बोनाइज करना है,
इस तरीके से अपनी सिटी बनानी है और एनर्जी ट्रांसपोर्ट या फिर दूसरे सेक्टर में जैसे इन्वायरमेंट हो गया मिलकर हम लोगों को काम करने हैं। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो इनका बेसिक पर्पज यहां पर ये है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में गए थे, कहां पर हुई थी ये पार्टी बताइए, इसमें पांच मुद्दे ऐसे थे जिनके ऊपर हमारे द्वारा बातें की गई और ये पांचों के पांचों मुद्दे आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा सकते हैं, इनके बारे में याद रखें। तो अचीविंग नेट जीरो 2070 तक बोला गया, नेट जीरो कार्बन एमिट कर लेंगे। नेट जीरो का मतलब है कि जितना कार्बन हम लोग बेसिकली उत्सर्जित करते हैं उतना ही हम लोग उसको खत्म करेंगे, रिड्यूस करेंगे यहां पर टोटल जो कार्बन एमिशन होता है उसको बोला गया यहां पर बेसिकली 1 बिलियन टन 2030 तक का। इसी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग लेकर चलेंगे लगभग 50% 2030 तक का, रिड्यूस करेंगे कार्बन की जो इंटेंसिटी होती है ये 45% तक का 2030 में, और इंक्रीज करेंगे नॉन फॉसिल एनर्जी जो होती है लगभग 500 गीगावाट 2030 तक का। ठीक है, अभी हमारा जो टारगेट था वो था 175 गीगावाट 2000 बेसिकली कब तक का 2022 तक का। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने जो टारगेट रख लिया है वो रख लिया यहां पर कितना, ये है 500 गीगावाट। पहले 450 गीगावाट था अलग ही, पर लेकिन जैसे ही जो ग्लासगो में पहुंचे यहां पर हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 आंसर मैंने अपना भी बता दिया चलिए कौन सी कंट्री में हुई थी आप लोग बताइए। ठीक है, तो यहां पर बोला गया बेसिकली यहां पर हमारी कंट्री के द्वारा 50 गीगावाट और इसमें ऐड कर दिया गया, तो उसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिले। जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूं सस्टेनेबल सिटीज के बारे में तो यहां पर हमेशा आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आना चाहिए C40 का नाम। C40 क्या है ये पूरा अलग से एक टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन चुके हैं, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई साहब छोड़ना नहीं है, क्योंकि पूरे महीने का जब आप लोग निचोड़ देखते हैं तो आप लोगों को ये रहना चाहिए कि हाँ यार अब एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, और उस पर ध्यान देना चाहिए, इसी के साथ में सारा ध्यान एक ही जगह लगा के रखना इधर उधर नहीं। C40 सिटीज कहने के नाम पर है पर लेकिन ये C40 सिटीज या 40 नहीं रहा, इसमें टोटल मिलाकर 97 सिटीज हो चुकी हैं। इन 97 सिटीज में अगर कोई बात करे हमारी कितनी हमारी यहां पर बेसिकली सिटीज हैं तो याद रखिएगा हमारी कंट्री से बेंगलुरु है, दूसरा चेन्नई है, तीसरा जयपुर है, चौथा कोलकाता है, पांचवा मुंबई है और छठा न्यू दिल्ली आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर 97 में से अगर आप लोग 6 इंडिया की निकालते हैं तो 91 सिटीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। यहां पर ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर बोला गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी यहां पर बेसिकली इकोनॉमी है कैसे ध्यान रख के चलना है और क्लाइमेट पर फोकस रहना है, इसीलिए C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप इसको बोला गया, क्योंकि सिटीज के अंदर ही आज के डेट में हमारी कंट्री या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आप लोगों को GDP नजर आएगी और जहां की वहां पर सबसे ज्यादा एक तरीके से इंजन ऑफ ग्रोथ उसको बोला जाता है, और इसी के साथ में यहां पर शांति बनाए रखना भी अच्छा है, एक तरीके से ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे वो सारी चीजें भी ध्यान में देखनी है। तो लंदन यूके के अंदर बेसिकली इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, फोकस है क्लाइमेट चेंज, 2005 में इसको लाया गया। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, बिल क्लिंटन जो फाउंडर मेंबर थे इसके और एक तरीके से जो बेसिकली डेनमार्क की कैपिटल है C40 सिटीज में उसको उसके द्वारा इनवाइट भी किया गया था कोलकाता को यहां पर एक तरीके से ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड के लिए। ठीक है, तो ये हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहां पर माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन देखिए कहीं से भी बन जाए पर लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन को आराम से आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट करके और आंसर निकालते हुए नजर आओगे। इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है जब कभी भी यहां पर कोई ऐसी चीज हो, 100वीं बर्थ एनिवर्सरी या फिर एक तरीके से 150वीं या 200वीं, यहां पर 400वीं आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है लचित बोरफुकन, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आसाम से निकलकर आती है, आसाम में एक काफी इंपोर्टेंट ये आइकन के तरीके से इनको देखा जाता है और इनके द्वारा काफी बड़ा रोल भी प्ले किया गया। ये एक कमांडर थे यहां पर अहोम जो किंगडम था उसके, इनसे रिलेटेड दो लड़ाइयां आप लोग याद रखते हैं, एक तो होगी 1671 की बैटल ऑफ सरायघाट जो कि आप लोगों को याद रखनी है। यहां पर बैटल ऑफ सरायघाट जो थी यहां पर ये बेसिकली ये मुगल जो फोर्स थी उसके साथ मिलकर यहां पर जो राम सिंह थे तो यहां पर अहोम किंगडम के साथ में यहां पर देखने को मिली। तो बैटल ऑफ सरायघाट जो थी यहां पर ये कहां पर लड़ी गई, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर लड़ी गई गुवाहाटी के अंदर में। इसी के नाम पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो आप लोग अगर बेसिकली डिफेंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो याद रखिएगा हमारे इस कंट्री के अंदर में यहां पर लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है, तो इसी पर्सनैलिटी के नाम पर यहां पर ये गोल्ड मेडल दिया जाता है NDA के अंदर नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर में। एक यहां पर बैटल ऑफ अलाहिबो, ठीक है अलाहिबो जो बैटल है यहां पर ये यहां पर 1669 में आप लोगों को देखने को मिली अहोम और मुगल एम्परर के बेसिकली जो बीच में ये नजर आया आप लोगों को, और इसके अंदर यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो अहोम किंगडम है यहां पर इसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी यहां पर पड़ी थी, तो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो है जो उनकी भी यहां पर जान गई थी। तो ये जो दो बैटल है इसके बारे में आप लोग याद रखेगा और खासकर जो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया यहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, और रीजन ये है कि 400वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है अभी हम लोग यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आप लोग यहां पर देखते हैं, इस पे जब आप लोग यहां पर नजर डालेंगे तो ये है यहां पर अहोम किंगडम, तो ये आप लोग यहां पर बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। ठीक है,
बाकी नॉर्थ ईस्ट का मैप जो है वो हमेशा आप लोग याद रखेगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, हमारे देश में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन का नाम आप लोग जरूर याद रखेगा, और इसी के साथ में और भी कई सारे ऑपरेशन में बताऊंगा ताकि माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ऑपरेशन गंगा अगर पूछ ले आप लोगों से क्यों चलाया गया हमारे देश में, तो ऑपरेशन गंगा इसलिए चलाया गया क्योंकि यूक्रेन में जो हमारे देश के जो नागरिक फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने का ये प्रयास चलाया गया। तो इसमें यहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है उसके द्वारा यहां पर बेसिकली यहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए, और यहां पर एक तरीके से बहुत सारे लोगों को यहां पर निकाला गया। ठीक है, अभी ये तो हो गई अलग बात, बात की जा रही है यूक्रेन के बारे में, क्योंकि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया था, इसके चलते बहुत सारे इंडियन यहां पर फंस गए थे, तो हमारी कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर अपने नागरिकों को वहां से निकाल कर लेकर आए। तो ये अकेला ऑपरेशन नहीं है कि आज तक बस यही ऑपरेशन चलाया गया है, पास्ट में और भी कई सारे ऑपरेशन है, तो ये सारे ऑपरेशन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, इनके बारे में मैंने टेलीग्राम पर भी आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, ऑपरेशन गंगा अभी लेटेस्ट है, तो याद रखिएगा यूक्रेन से अपने देशवासियों को निकालना, ध्यान से सुनना, ये मैच करने के लिए भी आ जाता है कई बार। वंदे भारत चलाया गया 2020 में कोविड-19 के साथ में डील करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वंदे भारत ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया गया अपने सिटीजन को यहां पर विदेशों से लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु यहां पर बनाया गया, बेसिकली ये नेवी का ऑपरेशन था जिसने कोविड-19 से अपने लोगों को बचाने की कोशिश की गई और वहां से लोगों को लाया गया, तो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर, तो वंदे भारत यहां पर बेसिकली अलग था और समुद्र सेतु यहां पर अलग था। ऑपरेशन जो यहां पर चलाया गया बेसिकली इवैक्यूएशन फ्रॉम द ब्रसेल्स। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेल्जियम के अंदर जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो अपने लोगों को यहां से निकाला गया, तो ये ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया, ऑपरेशन राहत में इंडिया के द्वारा लगभग ये 5,600 के करीब इंडियन जो है उनको बचाया गया, जब यमन के ऊपर सऊदी अरेबिया के द्वारा अटैक किया गया वहां से अपने लोगों को हम लोग बचाकर लेकर आए। ऑपरेशन जो यहां पर मैत्री है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये इंडियन गवर्नमेंट के बेसिकली यहां पर ऑपरेशन मैत्री इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा यहां पर बेसिकली नेपाल अर्थक्वेक के टाइम पर चलाया गया था, और नेपाल के साथ में अपनी मित्रता को दिखाते हुए यहां पर काफी सारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया था। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग यहां पर चलाया गया, जब कई सारे इंडियन सिटीजन को लीबिया के अंदर में जब दिक्कत हो गई तो वहां से बचाकर लेकर हम लोग आए। ऑपरेशन सकून यहां पर जो चलाया गया, इसका बेसिक पर्पस था यहां पर लेबिनन के टाइम पर जब इजराइल और लेबिनन के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस टाइम पर हम लोगों ने यहां पर कई सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया, तो इसको बैरूत सी लिफ्ट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 2006 में आप लोगों को देखने को मिला। कुवैत यहां पर बेसिकली एयरलिफ्ट है 1990 में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, तो इसके चलते यहां पर जो इराकी सोल्जर्स हैं, ठीक है, तो यहां पर इराकी सोल्जर्स के द्वारा यहां पर लगभग 700 के करीब टैंक जो है मार्च किए कुवैत के ऊपर, तो कई सारे इंडियन फंसे हुए थे वहां पर, तो उनको निकाला गया। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन गंगा पहला कोई ऑपरेशन है, इससे पहले भी हमारी कंट्री के द्वारा कई सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए गए जिसमें अपने सिटीजंस को हम लोग जो है दूसरे देश में से बाहर निकाल कर लेकर आए, तो सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट मैच करने के लिए क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। देखिए, ज्यादा तो नहीं कि सारी चीजें आप लोगों को रटनी है, पर लेकिन कई बार आप लोग से डायरेक्ट स्कीम से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कम से कम स्कीम के बारे में आप लोग याद रखिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री इसके द्वारा लॉन्च की गई है एक वो याद रखना है। तो यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर एम्पावरमेंट जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया कैंप यहां पर, जिसके चलते अभी यहां पर डिवाइसेस बांटी गई जिसमें जैसे यहां पर पकड़कर चलने की, यहां पर ये कोई ऐसी डिवाइस है किसी को सुनता नहीं है तो उसको कान में लगाने की डिवाइस दी, चला नहीं जा रहा तो उसको ये व्हील चेयर दी गई, ये सारे काम किसके तहत किए गए, तो राष्ट्रीय वयश्री योजना के तहत में। तो ये पूछ ले आप लोगों से, राष्ट्रीय वयश्री योजना जो है वो यहां पर बेसिकली किसके द्वारा चलाई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा चलाई जाती है, किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है यहां पर ये, तो इसमें आर्टिफिशियल जो भी यहां पर लिम्स होते हैं एक तरीके से वो यहां पर लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन मिलकर यहां पर काम करते हैं, जो कि यहां पर पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम करता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये होगी आप लोगों के लिए। ये जो स्कीम है यहां पर ये फिजिकल एड भी प्रोवाइड कराती है, इसी के साथ में यहां पर डिवाइसेस वगैरह प्रोवाइड कराती है बिलो पॉवर्टी लाइन, इनके जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसके लिए 30% जो बेनिफिशियरी होते हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि वो वुमेन रहती है यहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट से, ताकि महिलाओं को भी यहां पर फायदा इसका पहुंच सके। राष्ट्रीय वयश्री जो योजना है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इनकी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी यहां पर फायदा नहीं लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप इसको इंप्लीमेंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो सोशल जो जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर इसके द्वारा खर्चा किया जाता है सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए। तो ये काफी इंपोर्टेंट स्कीम है, अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए तो इस स्कीम का नाम जो है वो आप लोग आंख बंद कर बता सकते हैं। ये जो बेसिकली आप लोगों को मैं यहां पर बताऊंगा स्कीम, इसमें स्कीम के साथ साथ में आप लोगों को दो वोकैबुलरी के शब्द बताऊंगा जो कि आप लोग यहां पर पूछे जा सकते हैं कई बार आप लोगों से और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है,
अभी बात की जा रही है यहां पर इमिग्रेशन वीजा फॉरनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग IVFRT, ये एक स्कीम है जिसमें अगर कोई आज के डेट में अगर चाहता है अपग्रेड करना अपने इमिग्रेशन वीजा को तो उसके चलते यहां पर सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि एक तरीके सिक्योर इंटीग्रेटेड जो सर्विस प्रोवाइड कराया जा सके यहां पर एक आराम से, ताकि कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले पैसेंजर को और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके। अगर कोई अपने देश में आ रहा है बाहर जा रहा है तो बेसिक उसके पर्पज से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। बेसिकली मतलब क्या होता है यहां पर इमिग्रेशन का, इमिग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली अपने देश में से बाहर जा रहा है अगर कोई, तो हमारे देश में से वो बेसिकली यहां पर इमिग्रेट हो रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा इमिग्रेशन या फिर इमिग्रेशन, तो इसके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कोई बोले यहां पर इमिग्रेट या फिर इमिग्रेट तो इसमें डिफरेंस क्या है पहले आप लोग ये समझिएगा। तो इसका मतलब होता है बेसिकली अगर बात करिए किसी देश में आना, ठीक है, यानी कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है हमारे देश में से कोई निकल के जा रहा है तो याद रखिएगा यहां से ई मतलब हो गया एग्जिट, तो निकल के जा रहे हैं, ठीक है। आई मतलब हो गया इनकमिंग, यानी कि देश के अंदर में आ रहे हैं, तो इससे आप लोग इसको याद रखते हैं। तो जब हमारे देश में से कोई निकला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यहां पर बेसिकली वो क्या हुआ है एमिग्रेट, जिस देश में कोई आया है उसको बोलेंगे इमिग्रेट, ठीक है। तो यानी कि ई मतलब इन, वो आई मतलब यानी कि इन, और एफ ई का मतलब यानी कि एग्जिट, तो इसके बेस पर आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं इसको। तो ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे यहां से निकल कर आया वहां पर पहुंच गया वो इंसान, तो इसके बेस पर आप लोग याद रखेगा। तो ये कुछ उदाहरण भी यहां पर दे रखे हैं। तो आई एम का मतलब आया कि आई का मतलब हो गया इन और ई का मतलब हो गया एग्जिट, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां से एग्जिट हो गया इंसान। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। तो हमारे देश से बहुत सारे लोग जो है वो एमिग्रेट होते हैं, बहुत सारी कंट्री में इमिग्रेट होते हैं, तो उसके चलते यहां पर ये जो पॉलिसी है ये उनके लिए है, जो बेसिकली एक तरीके से जो इमिग्रेशन हो रहा है वीजा फॉरनर रजिस्ट्रेशन, जो हमारे देश में कोई फॉरनर आ रहा है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड यहां पर कराया जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है। तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन अगर कहीं पर लिखा हो तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में कोई आ रहा है तो उसके लिए हो गया यहां पर इमिग्रेशन, और कोई देश से बाहर जा रहा है तो उसके लिए हो गया इमिग्रेशन। तो ये ऑफिस अलग अलग आप लोगों को यहां पर चीजें अगर कहीं लिखी मिले तो इसके में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना, बेसिक चीज। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर रसिया और जो यूक्रेन के अंदर क्राइसिस देखने को मिल रहा था तो उसमें कई सारे ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट थे जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिटेल में मैं आप लोगों को यहां पर कई सारी बातें बताने वाला हूं। रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस के टाइम पर काफी सारी अपॉर्चुनिटी भी आई और काफी सारे चैलेंज भी आए। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो अपॉर्चुनिटी आई तो उसमें यह हुआ कि हमारे देश को कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे हम लोग अपने गेहूं अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं कई सारे देशों में जहां पर गेहूं जो है वो काफी ज्यादा खरीदे जाते हैं। वैसे अगर कोई पूछ ले कि हमारा देश सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर एक्सपोर्ट करता है तो ये याद रखिएगा हमारा देश सबसे ज्यादा गेहूं जो एक्सपोर्ट करता है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, फिलीपीन, इंडोनेशिया, नेपाल, यमन, कतर, साउथ कोरिया और ओमन, यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं हमारे जाते हैं जब हम लोग गेहूं बेचने की बात यहां पर करते हैं। इंडिया का जो सेंट्रल पूल है वो लगभग 24.2 मिलियन टन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ट्वाइस मोर देन जो कि हम लोगों को बेसिकली रिक्वायरमेंट है। यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग आज के में एक इंसान अगर चार रोटी खाए तो उसके बेस पे हिसाब से हम लोग बात करें हमारे देश में इतनी रोटी है कि एक इंसान के हिस्से में 8 रोटी आ सकती है, पर लेकिन फिर भी कई सारे लोग जो है वो भूखे सोते हैं, तो ये हमारा एक अलग फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहां हम लोग सही हैं और कहां गलत हैं, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा जो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। रसिया जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट आप लोगों को व्हीट का एक्सपोर्टर नजर आएगा, लगभग 18% दुनिया में जो व्हीट एक्सपोर्ट किया जाता है वो अकेले रसिया से निकल कर आता है। अब आप लोग बोलोगे कैसे, क्योंकि रसिया का एरिया जो है वो इतना बड़ा है जिसकी कुछ हद नहीं है और वहां पर जनता जो है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू उसके एरिया के, तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं चीजें उगाई जाती है। लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है यहां पर एक तरीके से आफ्टर चाइना, इसी के साथ में इंडिया, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यानी रसिया जो है नंबर वन पर है व्हीट के एक्सपोर्ट करने में, ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की जा रही है, ठीक है, देखिए याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना यहां पर। रसिया जो है वर्ल्ड में नंबर वन पर है व्हीट के एक्सपोर्ट में और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना और इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर चाइना, इंडिया और यूक्रेन, तो टॉप 5 अगर आप लोगों से व्हीट एक्सपोर्टर के बारे में बात करें तो आप लोग कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात करें अगर यहां पर बेसिकली 20.25.4 ये अगर बात करें लगभग क्वार्टर के करीब वर्ल्ड में, तो अगर कोई बात करें कौन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रसिया और यूक्रेन एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं अगर दोनों लड़ रहे हैं तो दुनिया में भुखमरी यहां पर आ सकती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। टॉप 5 एक्सपोर्टर जैसे मैंने बोला, रसिया पहले नंबर पर, यूएसए दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कनाडा, चौथे नंबर पर फ्रांस और पांचवें नंबर पर हो गए यूक्रेन, जब यहां पर एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। इसी के साथ में दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदने वाला देश कौन सा है, तो वो है इजिप्ट, तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग यहां पर। अगर इजिप्ट को आप लोग देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये है इजिप्ट यहां पर, जहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर ये नाइल रिवर भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है।
तो ये देश है जो सबसे ज्यादा यहां पर एक तरीके से आज के में क्या करता है, सबसे ज्यादा आप लोग यहां पर ये इंपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये यहां पर गेहूं का इंपोर्ट, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहां पर वीट का। ठीक है, जो कि लगभग 13.5 वर्ल्ड में टोटल जो वीट है वो प्रोडक्शन करता है, पर लेकिन हम लोग खुद ही इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, चाइना के बाद में दूसरे देश दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहां पर है, तो मैक्सिमम जो है वो हम लोग खुद ही इंजॉय कर लेते हैं, यानी कि हम लोग खुद ही खा पी लेते हैं। ठीक है, इंडिया जो है ओनली 1% के करीब यहां पर वर्ल्ड में वीट एक्सपोर्ट करता है, तो इसका शेयर जो है अगर बात करें यहां पर इंक्रीज हुआ यहां पर 0.14% इन 2016 से 0.54% 2020, तो यानी कि चीजें बढ़ रही हैं और ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं चीजें, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बिल्कुल साइड में। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, तो हमारी कंट्री में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था उसका बेसिक पर्पज ये था कि हम लोग चीजों को अच्छे लेवल पर लेकर चलें, भुखमरी थी देश के अंदर में, इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। और उस जय जवान जय किसान के नारे में आप लोगों ने कई सारी चीजें देखी, जैसे कि यहां पर हमारी कंट्री में जो आज की डेट में अगर हम लोग गेहूं के बारे में बातें करते हैं तो उस टाइम पर काफी एक सस्ती क्वालिटी के गेहूं जो है यूएसए ने हम लोग को प्रोवाइड कराया, जिसको जानवर भी नहीं खाते हैं और हम लोगों को वो दिया गया। पर आज के में हमारे देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, पंजाब दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, राजस्थान पांचवे, बिहार छठे और गुजरात सातवें नंबर पर सबसे ज्यादा गेहूं जो है वो प्रोड्यूस करता है। गेहूं एक कैसी क्रॉप है यहाँ पर, ये एक रबी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि नॉर्मली सर्दियों में बोई जाती है और यहाँ पर ये गर्मियों में काटी जाती है, तो ये आप लोगों को पता इसके बारे में याद रखेगा। अच्छा, आप लोगों के राज्य में गेहूं उगाया जाता है या फिर नहीं, ये आप लोग जरूर देखेगा। सोयल टाइप जो है यहाँ पर, ये फर्टाइल लूमी सोयल, क्ले सोयल जहां पर गन्ना उगाया जाता है वहां पर आप लोग इसको भी उगा सकते हैं। गंगा और सतलज वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर उसको उगाया जाता है। 21 से लेकर 26 जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा और पानी की जो रिक्वायरमेंट है लगभग 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक यहां पर इसकी पूरी होनी चाहिए, तो यहां पर फिर इसकी जिंदगी जो है वो बल्ले बल्ले में चलेगी गेहूं की। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके बारे में मैंने सारी बातें आप लोगों को यहां पर बता दी, तो कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया और जापान के बीच में एक साइज, अगर इंटरनेशनल रिलेशन लिखने के लिए आए इंडिया और जापान के बीच में तो भी आप लोग इसका मेंशन कर सकते हैं। धर्म गार्जन एक्साइज है जो कि कर्नाटका में भी देखने को मिली। कर्नाटका में यहां पर जो बेलगांव वाला रीजन है, जिसको बेलागामी भी आप लोग कई बार बोलते हैं, जो कि यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में लड़ाई का रीजन रहता है, वहां पर ये सारी चीजें आप लोग को नजर आई। 27 फरवरी से स्टार्ट हुई और 10 मार्च तक यहां पर ये एक्साइज बेसिकली चली। तो इसमें दोनों कंट्री कैसे मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं ग्लोबल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, उसके ऊपर काम किया गया। और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो ये है कि अकेली एक्साइज नहीं है इंडिया और जापान जहां पर साथ में काम करते हैं। तो एक्साइज धर्म गार्जन तो मैंने आप लोगों को बताया गया, एक एनुअल ट्रेनिंग एक्साइज देखने को मिलेगी जो कि यहां पर कंडक्ट की जा रही है 2018 से। इसके साथ में मालाबार एक्साइज में भी जापान जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया जो यहां पर जापान और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड कंट्री है जो कि आज के में मालाबार एक्साइज का पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ में जिमेक्स हो गया नेवल एक्साइज, इसी के साथ में यहां पर सिन्यू हो गया मैत्री, सिन्यू मैत्री ये एयरफोर्स की एक्साइज। इंडिया और जापान के बारे में कुछ पूछ ले तो कंफ्यूजन का आप लोगों को कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर जापान के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि जापान कहां पर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर इसकी जापान की देख सकते हैं, तो यहां पर आप लोगों को बेसिकली जापान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर जापान, एग्जैक्ट जो लोकेशन है आप लोगों के सामने टोक्यो, इसकी कैपिटल आप लोग यहां पर देख सकते हैं जापान की। ठीक है, तो ये हो गई यहां पर इसकी कैपिटल। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे सी ऑफ जापान हो गया, इधर येलो सी हो गया, नीचे आगे तो ईस्ट चाइना सी हो गया, थोड़ा सा और नीचे आप लोग आओगे तो फिलीपींस सी हो गया, थोड़ा सा और नीचे आओगे वो सी है जहां पर चाइना जो है सबसे ज्यादा बदतमीजी काटता है। ठीक है, जिसको आप लोग साउथ चाइना सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। पॉइंट रहते हैं, कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, तो अगर माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगी चीजें तो फिर आप लोग कोई भी दिक्कत में नहीं आएंगे। तो इसलिए सारी बातें एक एक कर आप लोगों को बता दी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये जितनी कथा यहां पर लिखी हुई है ये कथा मैं आप लोगों को पिक्चर में समझाऊंगा, फिर आप लोगों को यहां पर कोई भी डाउट नहीं होगा इसको समझने में, एक एक पॉइंट आप लोग यहां पर समझ के चलिएगा। ठीक है, काफी सारी बातें बताऊंगा जिससे आप लोग अपने आप को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी यहां पर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर तुर्की आ गया, और तुर्की क्यों न्यूज में आ गया, तुर्की इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि यहां पर ये है, अगर किसी को यहां पर ब्लैक सी के अंदर एंट्री करनी है तो यहां पर तुर्की से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो जहाज ऐसा है जिसमें हथियार वगैरह रखे हुए हैं। ये तुर्की को किसने पार दी, क्योंकि आप लोगों को पता है तुर्की एक ऐसी कंट्री है, वो एक यूरेशियन कंट्री है, यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया के अंदर आने वाली कंट्री, उसको यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। तो तुर्की का जो ये वाला छोटा सा छुटुक सा जो पोर्शन है ये आप लोग को यूरोप में देखने को मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा जो तुर्की है वो आप लोग को एशिया में आता है, तो इसलिए इसको यूरेशियन कंट्री के नाम से आप लोग यहां पर जानते हैं। अब यहां पर जो ये एरिया है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है बेसिकली बफोर्स। ठीक है,
तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये सी ऑफ मार्मरा है, मार्मरा, और यहां पर आप लोगों को ब्लैक सी देखने को मिलेगा। तो इसको कनेक्ट करने वाला ये एरिया हो गया। अगर किसी को कल को चलकर यहां पर एंट्री करनी है तो इसमें बेसिकली अगर वो हथियारबंद कुछ चीजें लेकर चल रहा है तो यहां पर इसके लिए एक पर्टिकुलर ये कन्वेंशन है, इसको बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन 1936 में साइन किया गया था और इसमें यहां पर आर्टिकल है 29। ये तुर्की को ये पावर देता है कि अगर कोई यहां पर ऐसा इंसान है जो कि यहां पर आर्म हथियार लिए हुए चल रहा है तो तुर्की उसको रोक सकता है यहां पर इसके अंदर घुसने से। इसीलिए यहां पर बेसिकली किसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा तुर्की को बोला गया कि वो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट करें ताकि इसको एंट्री यहां पर न दी जा सके अगर कोई इस तरीके का कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर डार्डनेलीज हो गया, ये पर्टिकुलर एरिया भी आप लोग याद रखिएगा, ये जैसे कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो एजिनियन सी के साथ में अगर आप लोगों को सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करना है तो डार्डनेलीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर ये हो गया बोस्पोरस, तो बोस्पोरस और डार्डनेलीज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस किस को कनेक्ट करते हैं तो एजिनियन सी हो गया, सी ऑफ मार्मरा हो गया और यहां पर ब्लैक सी हो गया। तो कल को कोई आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे, पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग इसको ढंग से कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो एक तरीके से क्वेश्चन के छक्के छुड़ा कर आओगे। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बोला ये शायद ही आप लोग कहीं पर देखने को मिलेगा, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो जो है उसको हम लोगों ने मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का नाम दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है क्या है, इसको बोला मैंने मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, पर लेकिन दूसरा जो है यहाँ पर इसका नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो दोनों को कंफ्यूज मत करना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और सबसे पहला ऑप्शन अगर वो पूछा जाएगा तो सबसे पहला ऑप्शन इसका देखने को मिलेगा, अगर ये पूछा जाएगा तो सबसे पहला ऑप्शन उसका देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ये सारी बातें समझता है, आप लोगों की भावनाओं से खेलना जानता है। मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है यहाँ पर ये बेसिकली रामसर साइट जो होती है, आप लोगों ने सुना होगा कि ईरान के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है रामसर, उसके नाम पर यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था और वो कन्वेंशन जो था 1971 में आप लोगों को देखने को मिला था, उसको इंप्लीमेंट किया गया और उसके चलते कुछ ऐसे एरिया है जो कि आज की डेट में बेसिकली उनकी खस्ता हालत हो गई है, यानी पहले रामसर लिस्ट में आते गए पर लेकिन आने के बाद में वो संभाल नहीं पाया अपने आपको, तो फिर उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल देगा, जैसे कि कैलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान और रोहतक लेक इनको डाला गया। ठीक है, तो यहां पर चिल्का लेक उड़ीसा की जगह प्लेस की गई थी बट आगे चलकर उसको यहां से रिमूव कर दिया गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है यहां पर ये रामसर साइट जो रजिस्टर की जाती है लिस्ट के अंदर में, अगर उनके अंदर कोई उसके इसके हिसाब से चेंज होता है, जैसा उसमें पहले चीजें जिसके हिसाब से उसको इंक्लूड किया गया था, मान लीजिए वहां पर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया वहां पर, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, तो तब यहां पर क्या रहता है उसको वहां से निकाल दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी में आप लोगों को जॉब करनी है उसका क्राइटेरिया है कि इंसान जो है वो ईमानदार होना चाहिए, ये डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में ये जो इंसान है इसके ऊपर लोग जो है वो आसानी से रिलाय कर सके, मिलजुल कर सामाजिक एक व्यवहार रखने वाला होना चाहिए, पर लेकिन जैसे ही कंपनी के अंदर आए इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी तो इसको लात मार के बाहर फेंक दो। ठीक है, अब ये कंपनी के लायक नहीं रहा, यही काम है, पर लेकिन लात मार के बाहर नहीं फेंका जाता, एक दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है जहां पर उसको रखा जाता है कुछ टाइम के लिए कि चलो सुधर सकता है तो उसको टाइम दे जाए, तो वो है यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अगर कोई डिफरेंस आप लोगों को पूछ ले तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉइंट था जो मुझे लगा कि आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में, और अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बताएगा जरूर, उसको क्लियर किया जाएगा। कितनी ऐसी साइट है हमारे देश में जो कि आज के में रामसर की लिस्ट में इंडिया से, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए जो कि रिसेंटली अभी अपडेट भी हुई है, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, छोटी सी न्यूज है पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोणार्क का जो टेंपल है उड़ीसा के अंदर में उसको अभी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बोला गया कि पूरा का पूरा जो मंदिर है वो ऑपरेट किया जाएगा यहां पर किससे, ये सन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी से, तो उसी के चलते काम किया जा रहा है। और अनदर जो टेंपल है यहां पर गुजरात के अंदर में यहां पर मोदेरा, ठीक है बिल्कुल मोदेरा में, तो वहां पर भी सेम काम किया जा रहा है। तो कोणार्क जो है यहां पर उसके बारे में और दोनों के बारे में कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, तो इसके चलते यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो बेसिक है जिसके बारे में आप लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने यहां पर डाल दिए अबाउट कोणार्क टेंपल, अगर आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किंग नरसिम्हा देव जो फर्स्ट टाइम उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये बेसिकली गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में डाला गया। टोटल 12 व्हील आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि 24 आर को दर्शाते हैं, और इसमें कई बार इसको बोलते हैं 12 मंच को बेसिकली दिखाया जाता है, कई सारे लोग अपने अपने तरीके से होते हैं। 7 घोड़े हैं इसमें, आप लोग बोलते हैं कि 7 जो है बेसिकली दिन होते हैं वीक में उसको दर्शाता है। और यहाँ पर आप लोगों को सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जिसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये माना जाता है कई बार कि यहाँ पर एक तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में आकर
कि जो ये पर्टिकुलर एरिया है जहाज अगर आता है तो उसको भी अपनी तरफ को ये आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें, कई सारे जहाज जो है यहाँ पर बर्बाद हुए, ऐसी बातें यहाँ पर माना जाते हैं। तो ये पूरा टेम्पल का स्ट्रक्चर है। आप कभी टाइम मिलेगा मैं घूमने जरूर जाऊंगा, आप में से कोई गया है तो बताइएगा जरूर कैसा लगता है। मेरा बहुत मन होता है घूमने का, जब जब टाइम मिलेगा ये काम जरूर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा चीजें और चलने दो, उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। जहां जहां घूमने आऊंगा हाँ आप लोगों से मिला जरूर करूंगा, तो तैयार रहा करना जिस भी सिटीज में जिस भी स्टेट में आऊंगा, ठीक है। तमिलनाडु अगर गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसने द्वारा अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कंजर्वेशन रिजर्व दुगोंग के लिए, ये याद रखिए दुगोंग इसको बेसिकली कई बार सी काउ के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो अभी यहाँ पर कहाँ बनाया गया, तो यहाँ पर बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे के बीच में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे जहाँ पर है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बनाया गया। तो यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर तो ये एक काफी इंपोर्टेंट फैसिलिटी है और इंडिया के अंदर फर्स्ट ऐसा कुछ एस्टेब्लिश किया गया है। तो गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे जो बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप लोगों को मैप में नजर आएगा, वहां पर ये बेसिकली पोजिशन आप लोगों को नजर आएगी। इंडिया जो है वो काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर एक काम कर रहा है जिसमें दुगोंग कंजर्वेशन के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये ऐसी कुछ आप लोग यहाँ पर सी काउ बोलते हैं इसको, अगर इसके बारे में बात करें। नॉर्मली अगर किसी भी जानवर के बारे में, जिनावर के बारे में कोई पूछे तो तीन लिस्ट होती है। एक तो यहाँ तो IUCN लिस्ट, एक होती है हमारी कंट्री का जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और तीसरा होता है CITES। तो तीनों में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले वाले में वनरेबल, दूसरे में शेड्यूल वन और तीसरे में अपेंडिक्स वन में इसको रखा गया, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दुगोंग या फिर इसको दुगोंग के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से समझ सकते हैं इसके बारे में। उसी के साथ में यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर जहां पर ये रहता है, अगर वहां पर सही सही चीजें सारी चल रही है तो यहाँ पर बताता है कि सब चीजें सही है। एक तरीके से फूड चेन का काफी बड़ा पार्ट होता है यहाँ पर ये इसके अंदर में, और हमारे देश के अंदर में यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पर पाक बे और अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर माइंड में क्लैरिटी होगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे ये ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर महीने मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो प्रस्तुत की जाती है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ता है तो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है, एक बार तैयार कर लो और फिर जो है उन्हें कहते हैं एक बार बेसिकली मेहनत कर लो और फिर आराम से बैठकर फसल काटो। तो इस तरीका है यहाँ पर। नॉर्मली पहले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी से बेसिकली कनेक्ट है, और इसी के साथ में फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों मिलकर हमारे देश में डिसाइड करती है कि कैसे हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था रहती है, जैसे कि इकोनॉमिक हालत कैसी होगी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कैसा, और सोसाइटी में स्टेबिलिटी कैसी, ये इसके बारे में बात करती है। यही मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसका बेसिक मैं आप लोगों को बताता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है जिसको MPC आप लोग बोलते हैं, ये सेक्शन 45ZB के तहत यहां पर बनाएगी अमेंडमेंट करके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट था 1934 का, उसके हिसाब से इसको बनाएगा। ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स से पूछा गया कि इसको चेयर कौन करता है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वो यहाँ पर इसको चेयर करते हैं। 6 मेंबर होते हैं इसके अंदर में, 3 आते हैं गवर्नमेंट से और 3 आते हैं RBI से, और इन 3 में से जो RBI से आते हैं एक होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये टारगेट दे रखा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4%± 2% के बीच में रखना है, पर लेकिन पहले COVID-19 और फिर यूक्रेन वॉर ने यहाँ पर चीजों को खराब करके रख दिया, इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो 4 से 6 के ऊपर भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। जो 45ZB है यहाँ पर, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिलेटेड अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये कई बार इन्फ्लेशन अगर यहाँ पर बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि यहाँ पर चीजें जो है वो पैटर्न में यहाँ पर चलती रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे ही ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने, ये सीट जो है वो इनको फ्री में मिल गई, यानी कि जैसे आप लोग की जॉब लगी तो आप लोग क्या है शादी जो है वो फ्री में हो गई। तो ये हो गया बेसिकली एक तरीके से एक्स ऑफिशियो पोस्ट, यानी कि शादी इसलिए हो गई क्योंकि आप लोग की जॉब लग गई, यानी कि गवर्नर बन गए इसलिए यहाँ पर इसके चेयरपर्सन बन गए MPC के, वरना इसके चेयरपर्सन ही बनते क्योंकि गवर्नर ही बनता है। तो इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है कि यहाँ पर अलग से एग्जाम दो, अब ये भी काम करना है, ठीक है। डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो यहाँ पर इंचार्ज रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उसी के साथ में ऑफिस ऑफ द जो यहाँ पर जो ऑफिसर्स जो होते हैं बैंक के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड के अंदर, 3 यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग भी रहते हैं। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, जब 2016 में यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले लाई गई थी तो 4±2% का टारगेट दिया गया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, यानी कि 2016 से लेके 2021 तक का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे देश में ये टारगेट दिया गया 4±2% का, पर लेकिन लग रहा था COVID-19 के अगर न आता तो ये चेंज हो जाता, पर जैसे ही COVID-19 आ गया अब 2021 से लेके 2026 तक भी इसको कंटिन्यू कर दिया
और 4 ± 2 ही हमारा टारगेट रहने वाला है महंगाई को कंट्रोल करने का। 4 ± 2 का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर इसको बारे में बोले 4 में +2 हो गया 6 और 4 में -2 हो गया 2, यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपोर्टेंट रहता है और ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर ये पूरी कमेटी मिलकर काम करती है, जिसके बारे में याद आप लोग रख सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। आरबीआई जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई भी डिसीजन आप लोगों को लेना है तो मेजोरिटी से लिया जाएगा। मेजोरिटी मतलब जब यहाँ पर अगर बात करें, अगर आज की डेट में 3 मेंबर आ गए, ठीक है, 3 मेंबर आ गए तो 3 मेंबर आ गए तो यहाँ पर डिसीजन लेंगे तो 2 एक तरफ होंगे, 1 एक तरफ होगा, तो ऐसा होगा, डेढ़ तो हो नहीं सकते यहाँ पर। अगर 5 हो गए तो यहाँ पर 2 एक तरफ होंगे, 3 एक तरफ होंगे, तो डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी दिन 3 मेंबर आ गए, ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से वो किसी दिन ऐसा हो ना टाई हो जाए वोट में से 4 मेंबर आ गए किस दिन, 1 एब्सेंट रह गया, तो यहाँ पर टाई हो गया दोनों के बीच में, तो उस टाइम पर गवर्नर जो है वो वोट डालेंगे। तो इसको बेसिकली एक तरीके से ये इस तरीके से वोट यहाँ पर डालते हुए नजर आते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई टाई हो जाता है तभी यहाँ पर ये वोट डालते हुए आप लोग को नजर आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में ये बेसिकली बनाया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अप्रैल 1 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज किया गया, इनके देश के नाम कर दिया इसको 1949 में। फर्स्ट हेडक्वार्टर इसका था कोलकाता के अंदर में, पर लगा कि मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो उसको मुंबई लेकर चले गए, ठीक है। तो फिर इसको मुंबई के हेडक्वार्टर लेकर चले गए 1937 में, और फिर यहाँ पर इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे यहाँ पर सर ओसबोर्न स्मिथ। आज के में गवर्नर कौन है ये आप लोगों को बताना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, ठीक है, समझिएगा, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैप देख पा रहे हैं, तो जैसे कि अभी आप लोगों को मैं अपनी कंट्री का मैप दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है बीचों बीच अपनी प्यारी कंट्री। तो पहले कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर था, पर लेकिन फिर यहाँ पर मुंबई के अंदर ले गए। रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर अंग्रेज जो थे ना उनको यहाँ पर दिक्कत होती थी, क्योंकि मेन उनका मुद्दा था यहाँ पर अपने देश के साथ में कनेक्ट करना। अब कोलकाता से यहाँ इनको यहाँ पर इस तरीके से आना है, या फिर यहाँ से ऐसे इनको आना है, सारा मैक्सिमम व्यापार यहाँ से इनका एक तरीके से यहाँ से आसानी रहती है काम को करने में। तो इसलिए यहाँ पर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर रखा गया, और हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कैपिटल आज के में आप लोगों को मुंबई ही देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए बता दी क्योंकि ये हर महीने आप लोगों को पॉलिसीज देखने को मिलती है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, और ऑलरेडी पूछ ले क्या, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यार, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप लोग माइंड में क्लियर रख के चलोगे तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, कई बार एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं 1 मिनट के अंदर में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों से बन जाते हैं। जैसे ईरान न्यूक्लियर डील जो है इसका नाम है ईरान न्यूक्लियर डील, पर रियलिटी में इसका नाम न्यूक्लियर डील नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नॉर्मली घर पर बोल देंगे कि इसका नाम काला है, इसका नाम भूरा है, उसका नाम सोनू है, उसका नाम टोनू है, पर लेकिन रियलिटी में जब आप लोग जाते हैं तो स्कूल के अंदर में कुछ और ही नाम देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर में। तो ईरान न्यूक्लियर डील नहीं है, इसका नाम है JCPOA, ठीक है, ये इसका एक तरीके से प्रोफेशनल नाम है, ठीक है, जिसके डॉक्यूमेंट्स में नाम है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग बताएं यहां पर। ये बेसिकली एक डील है P5+1 में, जो कि यहां पर नेगोशिएशन किया गया 2013 से लेकर 2015 में, और फिर फाइव यहां पर P5+1 यानी कि P5 Permanent 5 चाइना, फ्रांस, इसी के साथ में रसिया, इसी के साथ में यूनाइटेड किंगडम और USA, यहाँ पर जो जर्मनी है और जो यूरोपियन यूनियन है ये भी यहाँ पर आप लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं, पर लेकिन जर्मनी भी जो है पार्ट है यूरोपियन यूनियन का ही, तो यहाँ पर P5+1 इसको बोला जाता है, तो जर्मनी काउंट किया जाता है यहाँ पर। ये बेसिकली ईरान को ये बोला गया कि तुमको क्या है तुम्हारे ऊपर से इकोनॉमिक सेंक्शन हटा लेंगे अगर तुम जो हो कल को यहाँ पर अपने देश के अंदर में जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया जो है उसको नहीं बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। ईरान जो है वो एक काफी खूंखार नाम की टाइप की कंट्री यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यहाँ पर अगर इधर आएंगे सऊदी अरेबिया को दिक्कत रहती है, ठीक है, उधर आएंगे इसराइल को दिक्कत रहती है, पर लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ ले यहां से वो पूछा भी जा सकता है आराम से कि कैस्पियन सी और यहाँ पर पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सी ऐसी कंट्री है, तो याद रखिएगा ये है बेसिकली ईरान। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ईरानियन रियाल इसकी करेंसी होगी और यहाँ पर कैपिटल होगी तेहरान। तो मिडिल ईस्ट के अंदर आप लोग यहाँ पर ये कंट्री देखने को मिलेगी। हमारे देश में सबसे ज्यादा तेल जो है वो किन देशों से खरीदा जाता है, 3 टॉप की कंट्री आप लोग बताइए। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया भी है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर अभी यहाँ पर अपने स्टेप उठाएंगे, तो उससे हम लोग जो है काफी सुर्खियां बटोर रहे थे। जब यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग हुई तो रशिया के ऊपर यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगाने की बात की गई, तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि हम लोग यहाँ पर दावत खाने गए ही नहीं, हम लोग बेसिकली साइड में हो गए। तो यहाँ पर ना रशिया की साइड में ना यूक्रेन की साइड में हम लोग अलग हो गए। तो यहाँ पर ये यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल रहती है कि ह्यूमन राइट यानी कि इंसानों को इंसान की तरीके से ट्रीट करना चाहिए, अगर कुछ गलत होता है तो उसको रोकने की बात की जाती है। तो ह्यूमन राइट जो है उसके इर्द गिर्द यहाँ पर ये घूमते हैं, क्रिएट की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में। इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली
अगर बात करें यहां पर, ये रिप्लेस किए गए यहां पर फिर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, जो यहां पर जो ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट कमिश्नर है, जो फिर ह्यूमन राइट ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट जो है वो सर्व करता है इसके लिए सेक्रेटरीट एक तरीके से। OHCRH जो है यहां पर इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलेगा, और यहां पर मेंबर जो है जो काउंसिल के यहां पर सर्व करते हैं 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, और फिर से इमीडिएट रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, थोड़ा बाद में आ सकते हैं पर इमीडिएटली यहां पर एलिजिबल नहीं है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर, ये भी आप लोग को यूक्रेन से ही देखने को मिलेगी, एक यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका नाम था यहां पर जैप सोरेजिया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जब रशिया के कंट्रोल में आया तो काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर आ गया था और लग रहा था कुछ दिक्कतें यहां पर देखने को मिल सकती है, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये कहां पर है, ये जो यहां पर नेपर रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है, जे की वैसे यहां पर ये न्यूज में था। और यहां पर पावर प्लांट ये जो यूरोप के अंदर में बिगेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर, लगभग 25% जो एनर्जी है वो यहां पर ये प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये भी कई बार यहां पर न्यूज में आया, तो यहां पर ये लगने लगा दिक्कत ना हो जाए, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में था। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर इसकी देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली चमोली के बारे में आप लोग, चेर्नोबिल के बारे में आप लोग यहां पर जानते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। यहां पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला था जब चीजें फट गई थी, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये भी चेर्नोबिल, अगर डिजास्टर के बारे में बात करें तो ये भी यूक्रेन में ही देखने को मिला था, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कोई बात करते हैं बेसिकली जो चलता है, तो यहां पर एक प्रोटोकॉल पर्टिकुलर पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे चलाया जाता है। एक न्यूट्रॉन आकर अटैक करता है तो यहां पर चीजें दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिर यहां पर जब ये दो पार्ट में डिवाइड होती है इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर ये आगे चलकर यहां पर 3 को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे ऐसे चीजें चलती रहती है। पर लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें से यहां पर जब 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो 3 में से 2 को गायब कर दिया जाएगा, 1 को छोड़ जाएगा, फिर ये 1 और जाकर तोड़ेगा, फिर यहां पर 2 को गायब कर देंगे, 1 को छोड़ेंगे, तो कंट्रोल वे में एनर्जी क्रिएशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता रहता है, ठीक है। ये तो अलग बात होगी, पर लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दी है। यहां पर हमारे देश के अंदर में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है और कितने प्लान यहां पर किए जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमारे देश के अंदर में ये सारे न्यूक्लियर प्लांट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंटली टोटल 22 रिएक्टर हैं, जो कि टोटल कैपेसिटी लगभग 7000 के करीब आप लोग बोल सकते हैं मेगावाट। और हमारे देश में एक पर्टिकुलर ये एजेंसी चीजों को कंट्रोल करते हैं, मतलब हमारे देश को भी ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी है एजेंसी, तो ये याद रखिएगा। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, जहां से अभी रिसेंटली एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, ये जो बॉडी है ना यहाँ पर, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, तो देखिए हमारी कंट्री में जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कई सारे पावर प्लांट ऐसे हैं जो हमारी ही कंट्री से हम लोग अपना न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बेसिकली प्रोडक्ट निकालते हैं और थोरियम वगैरह उसको यूज कर लेते हैं। पर लेकिन अगर बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर ध्यान रखती है और ये देखती है कि कल को उसका जो यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोडक्ट लेकर आए गए यहाँ पर, तो उसको हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये नजर गड़ा कर रखती है, गिद्ध वाली नजर, कल को कोई गलत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर ले। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन अगर पूछ रहे तो कंफ्यूजन में मत आना, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस आप लोगों के लिए हो सकते हैं, बात की जा रही है कवच के बारे में। कवच क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा, करण का कुंडल कवच। भाई साहब इंसान हो तो दानवीर, इतना एक तरीके से दानवीर ऐसे ही नहीं बोला था किसी को, तो वो दानवीर करण थे, ठीक है, महावीर दानवीर करण आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर उन्हीं के नाम पर इसका नाम कवच बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। कवच होता है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच का मतलब क्या है, अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन जो है वो आमने सामने से आ जाए और उनका एक्सीडेंट हो जाए तो दुनिया भर के लोगों की जान चली जाती है। पर लेकिन सोचो अगर यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि आमने सामने से 2 ट्रेन आ रही हैं और यहां पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू यहां पर हम लोग उसको कंट्रोल कर ले, तो कैसा रहेगा, यानी कि एक दूसरे के आसपास आने से पहले यहां पर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है ये आराम से रुक जाए, तो कैसा रहेगा, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कवच जो है यहां पर ये हमारे देश के द्वारा खुद से डेवलप किया गया है, तो यहां पर एटॉमिक ट्रेन प्रोटेक्शन बेसिकली यहां पर ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, सॉरी ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो साउथ सेंट्रल रेलवे में यहां पर इसको बेसिकली एक तरीके से ये यहां पर ट्राई किया गया। कवच जो है यहां पर अगर इसके बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कि आने वाले टाइम में ट्रेन कोलिशन को रोक सकते हैं, इसलिए यहां पर बेसिकली इसको ट्रेन कोलिशन एडवांस सिस्टम का नाम भी दिया गया और नामांकन कवच रखा गया या फिर आर्मर आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर जैसे नहीं एक तरीके से कवच जो शब्द है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अगर बात करें तो कवच सिस्टम पूछे तो याद किया, क्योंकि बजट में भी इसके बारे में बात की गई थी जब आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बोला गया था 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर इसको अभी इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि कोई एक्सीडेंट न देखने को मिले और आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर इसको लेकर चलेंगे, लगभग 34000 किलोमीटर में आने वाले टाइम में इसको फैलाया जाएगा। तो ये है यहां पर अभी इसका पर्पज, आने वाले टाइम में ये अलग अलग रूट पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग जा रहे हैं और पता है कि यहाँ पर कवच लगा हुआ है तो आप लोग आसानी से रात को सो सकते हैं, वो ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है।
मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी यार पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कई बार कई सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, बल्कि यहाँ पर तो ऐसा भी होना चाहिए, अगर बोला है जैसे कवच है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए, मान लिया ट्रेन पर हाथी आ गए, ठीक है, तो एक तरीके से उसके लिए कुछ जुगाड़ किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ पर। चलिए जो भी है देखते हैं, कुछ आगे एडवांसमेंट कुछ निकल के आता है, बाकी जो भी होगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी, जो काफी ज्यादा न्यूज में भी रही, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जो कि श्री नारायण राणे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एमएसएमई जिनका नाम है श्री भानु प्रताप द्वारा मिलकर स्पेशल एंटरप्रेन्योर प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन जिसका नाम यहाँ पर रखा गया। देखिए आप लोगों से डायरेक्ट कई बार शॉर्ट फॉर्म दे देंगे, ठीक है, तो आप लोगों से कई बार इसकी फुल फॉर्म दे देंगे, तो आप लोगों को अगर दोनों चीजें पता है तो फिर आप लोग कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया समर्थ, समर्थ का मतलब जो अपने आप काम कर सके, ठीक है, SAMARTH। तो समर्थ इनिशिएटिव यानी कि हमारी देश की जो महिलाएं हैं वो अपने आप काम कर सकती हैं, वो अपने आप में समर्थ हैं। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कुछ पूछ ले आप लोगों से कि समर्थ जो है वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमारे देश में किस मिनिस्ट्री का है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का है, और हमारे देश की महिलाएं जो है वो अपना बिजनेस करने में समर्थ है उसको ये बेसिकली बताते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी है, सेल्फ रिलायंट की फील्ड में जब आप लोग बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, अपने पैरों पर खड़े होने वाली बात यहाँ पर निकल कर आती है। इसमें अगर आप लोगों से कोई पूछे इनहेंस करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर लगभग 20%, ठीक है, और इसी के साथ में ऑफर कहते हैं एनुअली अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जिससे कि उनको आगे लेकर चला जा सके, तो एनुअल जो प्रोसेसिंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगी वो फी, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको एक डिस्काउंट रेट पर प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। ये तो चलिए कोई पूछे ना पूछे, पर समर्थ के बारे में याद रखिएगा, जो आगे बताने जा रहा हूँ ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर सबसे पहले जो वुमेन से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मेक्सिको सिटी के अंदर हुई थी 1975 में। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वुमेन से रिलेटेड, यहाँ पर आज तक चार कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये लास्ट वाली कॉन्फ्रेंस कई बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि हमेशा लास्ट वाली चीज पूछी जाती है, कल को अगर इंटरव्यू देने आप लोग जा रहे हैं तो लास्ट वाली जो है वो सबसे पहले आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा, तो उसमें अगर आप लोगों को चीजें पता रहेंगी कि हाँ कौन सी जो अभी रिसेंटली आप लोग कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो हमेशा लास्ट वाले पर आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कोपेगन के अंदर हुई यहाँ पर 1980 में, ठीक है, नैरोबी के अंदर हुई 1985 में, और बीजिंग के अंदर हुई 1995 में, यानी कि पहले 1975 से 1980, 1980 से 1985 और फिर 85 सीधा 95 में। तो लेटेस्ट जो हुई थी यहाँ पर ये आप लोगों को कहाँ पर बीजिंग में देखने को मिली थी, जिसमें यहाँ पर वुमेन को कैसे यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट करना है, उसको प्रमोट करना है, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। मेक्सिको के अंदर हो गया, बीजिंग हो गया, बेसिकली कहां पर ये हो गया चाइना के अंदर में, नैरोबी ये हो गया कीनिया के अंदर में, अब कोपेगन कहां पर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आगे चलता हूं, यहाँ पर एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ओबीसी से रिलेटेड, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा अभी ये बोला गया कि कोविड-19 ने यार काफी ज्यादा खस्ता हालत कर दी लोगों की, तो क्यों ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए महिलाओं की जिनको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली, तो उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया टेम्परेरी बेसिस पर इनकम, जिसको TBI बोला गया, TBI लोगों के लिए लेकर आओ, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कि काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुई हैं, तो इसके चलते इकोनॉमिक प्रेशर जो है उनका थोड़ा कम किया जाए। तो ये किसके द्वारा बोला गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कि TBI होना चाहिए, बाकी होना है नहीं होना है वो तो अलग अलग देश अपने हिसाब से डिवाइड कर लेगा, पर इनके द्वारा बोला गया, ठीक है। आगे यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये बात की जा रही है यहाँ पर मैत्र शक्ति के बारे में, तो यहाँ पर 9th एडिशन इंडिया और श्रीलंका की बायलेटरल एक्साइज जो देखने को मिली, जो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्साइज जिसको आप लोग बोल सकते हैं, तो विशाखापट्टनम में 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आई एक्साइज जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और मैत्र शक्ति जो है एक मिलिट्री एक्साइज है। इसी के साथ में एक दोस्ती भी देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर मालदीव के बारे में पढ़ाया था, तो जब मालदीव के बारे में पढ़ाया तो मैंने बताया था कि यहाँ पर दोस्ती एक्साइज जरूर याद रखेगा, जब इंडिया श्रीलंका और इसी के साथ में मालदीव के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो यहां से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार यहां से बन जाते हैं, अगर आप लोग याद रखेंगे अगर इनके रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो ये बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आप लोग इनको ढंग से याद रखोगे तो फिर आप लोग अच्छे से इसका आंसर भी दे पाओगे। तो ये मैंने सारी बेसिक चीजें आप लोगों को यहां पर बता दी जो कि आप लोगों को समझनी है। इसी के साथ में मिशन सागर भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, मिशन सागर जिसमें इंडिया ने इंडियन ओशन के अंदर में यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन की बात की गई, इन दिस रीजन यानी कि इंडियन जो ओशन के अंदर में, जैसे सेशल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, तो इनको हेल्प प्रोवाइड कराई गई टाइम टू टाइम हमारे देश के साइड से, और यहाँ पर हमने INS केसरी को यूज किया कई बार दवाई फूड वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए भी, तो ये भी हमारी कंट्री का इंडियन ओशन में एक सपोर्ट है।
जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है कि क्वेश्चन बने तो आप लोगों के हाथ से बच कर न जाए, उसकी मुंडी तोड़ी जाए, इतना तरीके से आप लोग उसको तैयार कर पोर्शन को जाए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था और क्वेश्चन बनने के चांसेस भी आप लोगों से यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही डिटेल में आप लोग कई सारी बातें बताऊंगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा ब्रह्मपुत्रा जो कि यहां पर नेशनल वाटरवेज 2 पर पड़ता है और गंगा जो कि नेशनल वाटरवेज 1 देखने को मिलेगा, इन दोनों को कनेक्ट करने की बात की गई बांग्लादेश के थ्रू, और यहां पर 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल जो वाटरवेज बनाने की यहां पर बात की गई कनेक्ट करगा। नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के हिसाब से हमारे देश में 111 वाटरवेज होने चाहिए जिनको नेशनल वाटरवेज जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो यहां पर जो गंगा रिवर आती है और ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तो उसके थ्रू यहां पर चीजों को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, तो काफी बड़ा ये एक तरीके से सपोर्ट यहां पर रहेगा अगर हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं बांग्लादेश के थ्रू होते हुए। तो इसके चलते ऑलरेडी दुनिया भर के हम लोग यहां पर ये नेशनल जो है प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं। तो मैंने बताया था कुछ के नाम आप लोग याद रखने, जैसे बात करता हूं यहां पर तो नेशनल जो वाटरवेज फर्स्ट हो गया, नेशनल वाटरवेज 2 हो गया, तो ये कम से कम आप लोग याद रखिएगा। पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर भागीरथी, यानी कि गंगा के ऊपर, ठीक है, ये यहां पर भागीरथी हो गई, नीचे गंगा हो गई, तो कनेक्टेड है यहां पर। इसके चलते यहां पर आप लोगों को इधर जाएंगे तो फिर आप लोगों को यहां पर 2 देखने को मिलेगा जो कि यहां पर सबसे बड़ा, अगर पूछ ले आप लोगों से कौन सा है तो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है जो कि गंगा भागीरथी और हुगली तक यहां पर आप लोगों को पहुंचता है। हुगली रिवर यहां पर जो कि गंगा से टूट कर वेस्ट बंगाल में चली जाती है वो हुगली बोल देते हैं, और गंगा से टूट कर जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको क्या बोलते हैं, नाम आप लोगों को मैंने कई बार बताया, ठीक है, उसको यहां पर बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको पद्मा बोलते हैं। तो ये गंगा से इधर आ गई हुगली बोल दिया इसको, और यहां पर इधर आ गई इसको पद्मा बोल दिया। ऐसी ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश के अंदर जाती है उसको जमुना बोलते हैं, पर लेकिन जब जमुना और पद्मा मिलती है उसको हम लोग मेघना बोल देते हैं, और जाकर व्योम बंगाल में गिर जाती है और सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो उसी को हम लोग सुंदरी ट्री के नाम पर सुंदरबन डेल्टा का नाम हमारे द्वारा रखा गया था। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। तो ये सारी बातें कई बार आप लोग से रिपीटेडली मैं बताते रहता हूं जो कि पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा है वो है यहां पर नेशनल वाटरवेज 2। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं यहां से कल को। और अगर अपने एरिया में आप लोग किसी में आते हैं तो अपने राज्य से रिलेटेड अगर कोई सा यहां पर दे रखा है तो वो आप लोग जरूर याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। बेसिक पर्पज क्या रहेगा, देखिए यहां पर रोरो सर्विस भी स्टार्ट की जाती है, रोल ऑन रोल ऑफ, यानी कि मान लीजिए यहां पर एक नदी है, उसका किनारा है यहां पर, इधर यहां पर एक लोग एक सिटी है, यहां पर काफी सारे लोग रहते हैं और फैक्ट्री वहां पर उस साइड में है। अब यहां पे अगर जाना है तो इधर कहीं से उधर से होकर इनको मान लीजिए आना है, सड़क होगी, कोई पुल होगा, और वहां से यहां पर ही आएंगे तो तब जाकर यहां पर इनका काम पूरा होगा। पर लेकिन सोचो अगर यहां पर एक एक तरीके से रोरो सर्विस स्टार्ट कर दिया, जहाज की सर्विस स्टार्ट कर दिए, तो क्या होगा, यहां से आराम से इसके अंदर गाड़ियां भरो, उनके अंदर जाए, आराम से लोग बैठे और जाकर उधर उधर जाए, फिर शाम को फिर वापस लेकर आ जाए, कितना ईंधन बच जाता है और कितना टाइम बच जाता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए यहां पर ये सर्विस भी है। ये सारा जो सिस्टम यूटिलाइज यहां पर किया जा रहा है, तो हमारे देश में जो गति शक्ति मास्टर प्लान है वो यूज किया जा रहा है, जिसमें रोडवेज, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी को, इसी के साथ में ट्रांजिशन की कनेक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है अच्छे लेवल पर, तो यहां पर सबको कनेक्ट किया जा रहा है अलग अलग लेवल पर। वाटर एयर ड्रोन की बात यहां पर की जा रही है, ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात की जा रही है, 4G 5G कनेक्टिविटी, 4G गांव के लिए, 5G वैसे लॉन्च हो रही है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। वैसे तो न्यूज छोटी सी है, पर लेकिन इसके बैकग्राउंड में मैं कई सारी चीजें और बताया था आप लोगों को। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी यहां पर 7 मार्च को जो एक्सरसाइज होने वाली थी बीकानेर राजस्थान के अंदर में, जिसको एक्सरसाइज वायु शक्ति बोलते हैं, उसको पोस्टपोन कर देंगे यहां पर बेसिकली यूक्रेन की इशू के चलते हुए। तो यहां पर ये एक डे एंड नाइट एक्सरसाइज होती थी हमारी कंट्री में, जो कि आप लोग याद रखिएगा एयरफोर्स की। इसी के साथ में ये मैंने आप लोगों को सारी एक्सरसाइज यहां पर प्रोवाइड करा दी है, अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये सारी आप लोगों के सामने यहां से, जैसे संप्रीति हो गया तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलेगी, जैसे मैत्रा शक्ति हो गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जैसे यहां पर मैत्री शक्ति हो गई, मैत्री एक्सरसाइज हो गया, ये मैत्रा शक्ति है और ये मैत्री है, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार हो गया इंडिया और यूएसए के बीच में। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में। नोमेडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में। धर्म गार्जन ये अभी पढ़ाई इंडिया और जापान के बीच में। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में। हैंड इन हैंड ये क्वेश्चन पूछा चुका है रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में। सिम्बैक्स हो गई इंडिया और सिंगापुर के बीच में, श्रीलंका नहीं, ठीक है। शक्ति एक्सरसाइज यहां पर इंडिया और फ्रांस के बीच में। और कॉर्पेट यहां पर ये है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा एक शक्ति तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, इसको मैं बता देता हूं, एक शक्ति आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहां पर, ये तो रिपीट हो गई यार, ये वाली हो गई, तो ठीक है इसको कट कर देना, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहां पर जैसे मैत्रा शक्ति होगी, ठीक है, एक तो ये होगी यहां पर, एक होगी गरुड़ शक्ति और एक होगी शक्ति एक्सरसाइज, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इनके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। तो मैत्रा शक्ति है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, दूसरे नंबर पर गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में,
और शक्ति एक साइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कुछ पूछता है तो एग्जैक्ट माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप लोगों को क्लैरिटी होगी इसलिए डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। बताएगा फिर भी कोई कंफ्यूजन और एक्स्ट्रा कोई और एक्सरसाइज माइंड में आ रही हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए पेशेंस के साथ में सुनना भी ना एक आसान काम नहीं है। अगर आप लोग चीजों को एंजॉय कर रहे हो, पेशेंस के साथ में सुनते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो ये सबके बस की बात नहीं होती है। पर लेकिन अगर आप लोग अपने आप को मेंटेन किए हो तो आप लोग अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और स्कीम के बारे में बात करूंगा जो काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गई थी। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये है स्वतंत्रता के जो सैनिक है बेसिकली उनके परिवार जनों से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर अभी अप्रूव किया गया कि कंटिन्यूअस रखेंगे एक स्कीम को जो कि पहले लॉन्च की गई थी हमारी कंट्री में। ये बेसिकली फाइनेंशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, तो ट्रिपल एस वाई आप लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो इसको अभी यहाँ पर 21 से लेकर 26 तक का अप्रूव कर दिया है। तो इसके अंदर पैसा अभी यहाँ पर लगभग 3,274 करोड़ यहाँ पर लगने वाला है। तो बेसिक मुद्दा यहाँ पर क्या है, ट्रिपल एस वाई ये बेसिकली अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर यहाँ पर श्री अमित शाह के द्वारा बेसिकली प्रपोज किया गया इसको कंटिन्यूअस करने के लिए। और खासकर बेसिक पर्पज यहाँ पर ये क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करें, इसके चलते इसको अभी और आगे यहाँ पर ले जाकर चलने की बात की गई है। तो ये स्कीम कैसी है, कब से कब तक प्रपोज की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा ये जो मिनिस्ट्री है ये इसकी होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आ रही है। कंफ्यूजन में डाला जाएगा, पहला ऑप्शन डिफेंस मिनिस्ट्री रहेगा वहां पर, क्योंकि उनको आपकी भावनाओं के साथ में खेलना होता है और आप लोगों को इसी चीज को कंट्रोल करना है, यानी कि पॉइंट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे पड़ोसी देश के बीच में यहाँ पर काफी लंबे समय से एक एग्रीमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसको आप लोग बोलते हैं BBIN फ्रेंडशिप मोटर रैली। ये 2015 में यहाँ पर बोला गया था कि स्टार्ट करेंगे और इसमें नेपाल, इंडिया, इसी के साथ में बांग्लादेश और यहाँ पर भूटान को कनेक्ट करेंगे। पर लेकिन कुछ ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं, वो आप लोगों ने सुना होगा कि तमन्ना ने जिंदगी के आंचल में सर रखकर पूछा मैं पूरी कब होंगी, तो जिंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही क्या। तो वही बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसा ही कुछ स्टार्ट किया गया था पहले 7 कंट्री के लिए, पर लेकिन पाकिस्तान ने रायता फैला तो यहां से इसको अलग कर दिया गया। फिर यहां पर बोला BBIN बनाएंगे, यानी कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, पर लेकिन भूटान ने भी यहां पर मना कर दिया क्योंकि उनकी जनता बोलने लगी कि अगर हम लोग इसमें जाएंगे तो हमारे यहां पर एनवायरमेंट पोल्यूशन काफी देखने को मिलेगा, तो उसके चलते ये भी यहां से बाहर निकल गए। तो अभी 3 कंट्री बच गई, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, वो यहां पर इसको लेकर चल रहे हैं जिसको मोटर व्हीकल एग्रीमेंट यहां पर बोला गया। तो कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, लोगों के साथ में, और व्यापार भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो था ये ओरिजिनल BBIN जो MV है यहाँ पर 2015 में लाया गया था, पर भूटान ने यहाँ पर इसको अभी अपने से इसको दूर कर लिया, ठीक है। तो पूरा यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, ये पूरा आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए रांची, पटना, ऐसे यहाँ से नेपाल से होता हुआ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इधर भूटान से होता हुआ जा रहा था, यहाँ पर बांग्लादेश से होता हुआ, पर लेकिन हुआ क्या, अभी यहाँ पर जैसे ये बाहर निकला तो यहाँ पर अभी 3 कंट्री बोल रही है लेकर चलेंगे। और भूटान का ऐसा नहीं हम लोग छोड़ दिया है, क्योंकि हम लोग साथ नहीं छोड़ते, तो हम लोगों ने बोला भूटान को ठीक है अभी नहीं आ रहे हो, सोच लो अच्छे से, जब तुम्हारा टाइम लगे तो तब देख लेना, आ जाना, हम तुम्हारे लिए हमेशा इसको ओपन रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़कर जाएंगे, हम तुमको साथ में रखेंगे। तो साथ ही हाथ बटाना वाली बातें चल रही हैं, तो हम तुमको साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बातें यहां पर की जा रही है। छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बन सकती है, यहां पर आप लोगों से पूछ रहे हैं यहां पर किसके बारे में, NLMC क्या है यहां पर, ये इसको बोलते हैं नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, यानी कि जहां जहां पर भी यहां पर गवर्नमेंट की जो लैंड है उसको कैसे मोनेटाइज किया जाएगा और कई सारे और भी एरिया का फायदा उठाया जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा जो गवर्नमेंट की सरप्लस लैंड है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है, ठीक है, इसी के साथ में और भी कई सारी मिनिस्ट्री जैसे रेलवे के पास में बहुत सारी लैंड पड़े हुए, तो उसको मोनेटाइज किया जाए, पैसा कमाया जाए, किराए पर दिया जाए किसी को एक तरीके से, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको बोला गया नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, तो ये याद रखिएगा NLMC इसको बोला गया। तो यहाँ पर ये मोनेटाइजेशन का काम लेकर चलेगी सरप्लस लैंड को। तो ये सेंट्रल PSU यहाँ पर बनाया गया जो कि एक अदर गवर्नमेंट एजेंसी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो कि याद रखना। आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कल्चर एजेंसी जिसको आप लोग यूनेस्को बोलते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर कई सारी बातें बोली गई और यहाँ पर ये जो सिंबल है ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो इसलिए ये जो न्यूज जाती है इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो न्यूज है ना जो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में है वहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। जैसे यूक्रेन के अंदर में कई सारे मॉन्यूमेंट थे, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे रशिया अटैक कर रहे हैं तो सारे टूटते जा रहे हैं, जैसे हमारे देश में लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी ऐसी हेरिटेज साइट थी, अब यहाँ पर उनको बेसिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ब्लू शील्ड करके यहाँ पर एक एम्बलम है जो कि 1954 में लाया गया हेग कन्वेंशन के तहत कि प्रोटेक्शन किया जाए कल्चर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, यानी कल को आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है
तो तब यहां पर ये सिस्टम पिक्चर में आ जाता है कि कोई भी यहां पर कल्चरल प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। तो ये है यहां पर कुछ और बेसिक बातें बताता हूं जहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते हैं। कल को यूनेस्को के बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले तो यहां से आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। ये साइंस कल्चर और एजुकेशन के फील्ड में यहां पर काम करती है। 1945 में बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस आप लोगों को फ्रांस में देखने को मिलेगा। 193 मेंबर है, 11 एसोसिएटेड मेंबर है। इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया था 1946 में और इसी के साथ में यहां पर 2019 में यहां पर यूएसए और इसराइल के द्वारा यहां पर इसको क्विट कर दिया गया। ठीक है कि हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ में। आप लोगों को पता है पैलेस्टीन के मुद्दे के ऊपर यहां पर बेसिकली ये निकलकर बाहर का रास्ता देख चुके थे। कई सारे मेजर इनिशिएटिव है इसके, जैसे कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम हो गया, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क हो गया, इसी के साथ में नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव जो सिटीज हो गया और एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के द्वारा कौन से इनिशिएटिव है, या फिर डायरेक्ट इनका नाम देके पूछ लेंगे ये इनिशिएटिव जो है वो किसके द्वारा है। तो चाहे इधर से कान पकड़े चाहे उधर से कान पकड़े, पर लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा है तो आप लोगों को आंसर देना है। 3 रिपोर्ट है जिसपे कई बार एग्जामिनर की लार टपक जाती है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट एक तो इंपॉर्टेंट ये है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, तो ये 3 रिपोर्ट ऐसी हैं जो यूनेस्को यहां पर प्रस्तुत करते हैं। जो भी मैंने आप लोगों को यहां पर बोला बेसिकली ब्लू सेल नेटवर्क के बारे में, तो यहां पर इसको एक तरीके से ऐसे बोला था, इसे रेड क्रॉस नहीं है, जहां पर कोई अटैक होता है तो जो लोगों को बचाने का काम करता है रेड क्रॉस, इसलिए इसको ब्लू सेल को यहां पर रेड क्रॉस के साथ में कनेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 16 जो यहां पर हेग कन्वेंशन का है 1954 का, तो ये कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं। तो ब्लू सेल जो है ये फाउंड किया गया था 1996 में ताकि चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यूक्रेन में इसी को इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी यहां पर, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में भी आ गया था। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, यूनेस्को के बारे में सारी बातें आप लोगों को बता दी, अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर महिलाओं के बारे में फर्स्ट टाइम देश के अंदर कुछ देखने को मिले तो क्वेश्चन बन जाता है। तो 100% यहां पर वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क अभी यहां पर हैदराबाद यानी कि तेलंगाना की कैपिटल में आप लोगों को देखने को मिला, जिसको FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट भी इसको बेसिकली ऑल्सो इसको बोला गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो बेसिकली यहां पर जिसको FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के नाम से बोला गया, तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर काम कर रही है ताकि यहां पर सारे एरिया में जो वुमेन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके हर एक लेवल पर, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर चाहे कोई भी यहां पर सारी चीजें फैसिलिटी की जाए, चाहे वहां पर मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, फूड की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, तो इंडस्ट्रियल पार्क में सारी चीजें देखने को मिलती है। तो हर जगह यहां पर आप लोगों को महिला जो है वो दिखाई देगी। FICCI जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है ये 1983 में बनाई गई थी ताकि महिलाओं को यहां पर बिजनेसमैन बनाने के लिए सपोर्ट कर सके। अब चलिए, तो मैंने बता दिया ये लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, पर FICCI क्या है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से सुनिएगा। FICCI जो है हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए देखने को मिलती है और लार्जेस्ट ओल्डेस्ट और अपेक्स बॉडी आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि इसका बनाने की एडवाइस दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा और क्रिएट किया गया था यहां पर JD बिरला और इसी के साथ में यहां पर पुरुषोत्तम दास जो यहां पर ठाकुर दास है इनके द्वारा इसको बनाया गया था। 1927 से बनाया गया था और न्यू दिल्ली में यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि उस टाइम पर जब अंग्रेज रूल कर रहे थे तो ये देखने को मिला कि अपना देश अपना आप चलाना है तो अपने आप से बिजनेस करना है, तो अपनी चीजों को आगे लेकर चलना है, तो अपने लोग मिलकर रहेंगे तो ही काम होगा, तो इसलिए यहां पर इसका क्रिएशन किया गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड के साथ में अगर क्वेश्चन बन जाए और माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी रहे तो जिंदगी जीने में तभी मजा आए। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यूज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा काफी बड़ी यहां पर एक सर्विस स्टार्ट की गई जो कि यहां पर एक तरीके से जिसने लोगों के बीच में कोहराम मचा दिया। मतलब क्या था, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली ऐप डाउनलोड कर आप लोग पैसे भेजते हैं, भीम ऐप डाउनलोड कर लिया, पेटीएम, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, पर सोचो खटके वाला मोबाइल जो है उससे पैसा भेजा जा सकता है, ऐसा जुगाड़ कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और इसको बोला गया UPI 123 पे। ठीक है, तो UPI इनके यूनिफाइड इंटरफेस, तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करना है, UPI ID ऑन फोन पे डायल करना हैश जो बेसिकली यहां पर *99#, इससे चलते आप लोग फिर अपने बैंक अकाउंट को चूज कर सकते हैं, अपना 6 डिजिट का जो यहां पर बेसिकली डेबिट कार्ड का नंबर होगा लास्ट 6 डिजिट वो डाल सकते हैं और अपना जो भी यहां पर बेसिकली योर कार्ड जो रहेगा उसके बारे में बात करें, मतलब यहां पर एक पूरा प्रोसेसर है जो कि आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में एक्टिवेट करने के बाद में आप लोग यहां पर बेसिकली अगर बात करें तो इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग स्कैन कर जैसे नॉर्मली स्कैन करने से यहां पर काम चलता है तो बिना स्कैन से यहां पर काम चल जाएगा कनेक्ट करने के बाद में। तो जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो काम कर रहा है और नाम जो है यहां पर आप लोग देखेगा अगर किसी को दिक्कत है तो डिजिटल साथी यानी कि डिजी साथी यहां पर नाम रखा गया है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो टॉप जो यहाँ पर यूपीआई जो ऐप है हम लोग इनको यूज करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर इसका जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके चलते याद रखिएगा, अभी इंडियन जो है उसको यूज कर रहे हैं, पे के साथ में कनेक्ट किया गया, जो हम लोगों ने पे नाउ के बारे में बात की, इंडिया का यूपीआई, और एनपीसीआई जो है वो लॉन्च किया गया था 2006 में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बैकग्राउंड की, तो ये मुझे लगा कि ये भी शेयर करनी चाहिए, पर लेकिन ऊपर वाला जो है ये जरूर याद रखेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, यून सुक यूल, ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर ये बन रहे हैं साउथ कोरिया के आने वाले 5 साल के लिए। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो डिविजन एरिया है, जिससे कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा 38, ठीक है, जो कि पैरेलल लाइन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, तो 38 पैरेलल लाइन है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जो इसकी कैपिटल है इसको बोलते हैं आप लोग सियोल, जो साउथ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की यहाँ पर प्योंगयांग, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, दोनों के बीच में डिविजन ये है जो याद रखते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं नए अभी, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पूछ चुकी है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया था, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर कोई न्यूज में होता है तो। एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहाँ पर प्रपोज किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा, जिसको बोला गया WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, यानी कि आयुष वाली जो दवाई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहाँ पर काम किया जाएगा, तो जो बेसिक हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनको भी ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंचाया जाएगा, तो अच्छे लेवल पर आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है WHO, और इसका जो जन्मदिन है 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और इसी के चलते यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग 7 अप्रैल को बनाते हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड 1948 में बनाया गया था, 194 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेगी, आगे आने वाले टाइम में इंडिया के साथ में काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में। ऐसी ऐसी किताबें आप लोगों से अक्सर जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाया करते हैं, जिनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड जो एम्प्लॉयमेंट है और एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ मिलकर इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक बुक, जिसका टाइटल है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया, इंडियाज डेवलपमेंट, यानी कि हमारे देश में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें लेबर का क्या रोल है। तो वीवी गिरी जो है ये नेशनल लेबर, बेसिकली एक तरीके से हमारी कंट्री में अगर बात करें, वीवी गिरी जो नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली पब्लिश करेगा ये बुक्स, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी साहब जो थे ये 4th प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, पैदा हुए थे यहाँ पर बेसिकली बहरामपुर उड़ीसा के अंदर में, और गिरी साहब जो है लेबर मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर जाने जाते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, और इसी के साथ में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर भी रहे यहाँ पर 1934 से लेकर 1937 तक, और इसके बाद में आगे चलकर इनको 1975 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो इनके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वी डैम इंस्टीट्यूट जो है वो रिसेंटली काफी ज्यादा अभी न्यूज में था यहाँ पर, ये बेसिकली डेमोक्रेसी रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज करते हैं 2022 की भी इनके द्वारा रिलीज की गई। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, तो वी डैम जिसको बोलते हैं वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, इसमें सबसे टॉप पर रहा यहाँ पर कौन, ये है स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर कोस्टरिका और फिर न्यूजीलैंड, ये आप लोगों को टॉप पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडिया जो है वो इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में आया और 93rd रैंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है, इसी के साथ में 179 में से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में श्रीलंका 88, नेपाल 71, भूटान 65 और पाकिस्तान 117 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक है बेसिकली, अगर कुछ मैं आप लोगों को बताऊं कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, तो डेमोक्रेसी में नॉर्मली इलेक्टेड लीडर होते हैं और यहाँ पर सेल्फ अपॉइंटेड, ऑटोक्रेसी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे कि नॉर्मली पुतिन साहब जो है पकड़कर बैठ गए, गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ठीक है, यहाँ पर सिटीजन जो है गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब गला काट कर उसी के हाथ में रख देंगे अगर ऐसा कुछ करेगा, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से लीडर जो होता है वो एक तरीके से इतना पावरफुल होता है कि सारी चीजें उसी के हाथ में होती है, पुराने टाइम में राजा नहीं हुआ करते थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑटोक्रेसी देखने को मिलती है यहाँ पर, डिक्टेटरशिप, जैसे कि किम जोंग उन हो गए सीधा कि मेरे जैसे बाल कटाने, मेरे जैसे कपड़े पहनने, वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो लोगों को बोलता है कम खाना खाओ क्योंकि देश के अंदर में खाना कम नहीं है, अब तुम अपना वेट देखो कहां बढ़ता जा रहा है, तुम थोड़ा कम खा लो, अपनी अयासी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए लोग नजर आते हैं, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो हमारी कंट्री में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज और इंडियन जो आर्मी के साथ मिलकर जो कि न्यू दिल्ली में है और ऑस्ट्रेलिया आर्मी चीफ जो है उनके द्वारा विजिट किया गया, तो मिलकर काम यहां पर कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल फॉर जो लैंड जो वॉरफेयर स्टडीज है
वो यहाँ पर बेसिकली काम करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलियन आर्मी रिसर्च सेंटर के साथ में, और दोनों मिलकर काम करने वाले यहाँ पर। हमारी कंट्री का जो सेंटर है ये रजिस्टर किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा न्यूज में, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी मेंबर है आप लोगों को पता है, ठीक है, हमारे साथ मिलकर मालाबार एक्साइज का भी पार्ट आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, और अभी जब चाइना को क्रिटिसाइज करने की बात आती है तो हमारे साथ खड़ा होकर क्रिटिसाइज करता है चाइना को। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। तो बेसिक चीजें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं ना कई बार, तो अगर माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होगी तो फिर कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, तो इंडिया रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई। तो हमारे जो बेसिकली बेसिकली बात की जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जा रही है, यानी कि बिजनेसमैन के बारे में। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर जो है ये एक तरीके से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप जो किस तरीके से कंट्री में बढ़ रहा है उसके बारे में बताता है। और यहाँ पर ये अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसको लीड किया गया। तो इंडिया जो है आज की डेट में एक्सपेंड हो रहा है हमारे देश में की बिजनेसमैन की एक्टिविटी 14.4% 2021 में, यहाँ पर 2020 के कंपेयर में 5.3 थी, बढ़कर आगे निकल गई है। टोटल एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी जो है वो 18 से लेकर 64 साल के बीच में काफी सारे लोग जो है आज के डेट में बिजनेस करते हुए नजर आते हैं। नए नए बिजनेस अभी हमारे देश में काफी सारे निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में भी आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर बेसिकली काम किया जा रहा है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एक काफी बड़ा काम देश के अंदर किया गया यहाँ पर हम लोगों के द्वारा। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा गैस से गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप लोगों ने पेट्रोल डीजल के बारे में सुना है, पर लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल के थ्रू बैटरी चलाई जा वो गाड़ी चलाई जा रही है। फ्यूल सेल जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसको बेसिकली बनाया जा रहा है, और ये टोयोटा मीरा FCEV इसको बोला गया, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा मार्केट में चीजों को उतारा गया। तो FCEV क्या है, इनके फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये यहाँ पर निकाला गया, इसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। और ये पूरी पिक्चर भी मैंने आप लोगों को बेसिकली दिखाई थी जब रेगुलर वीडियो में हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर एक पूरा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन टैंक हो गया, ठीक है, यहाँ पर फ्यूल सेल टैंक हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया यहाँ पर, तो पूरा सिस्टम रहेगा यहाँ पर। तो काफी अच्छे से यहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है आने वाले टाइम में। तो ये बेसिक पर्पज है इसका, तो इसके बढ़ते याद रखिएगा यहाँ पर। तो हमारी कंट्री में इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में आ रहा है। तो इनको आगे लेकर चला जाएगा, अच्छे लेवल पर हम लोग काम करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को न मिले, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को माइंड में क्लियर रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा अनाउंस किया गया ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग घर से बाहर जब निकलते हैं तो फालतू के कई सारे पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक सब चीजें हम लोग क्या करते रहते हैं, सटकते रहते हैं, गटकते रहते हैं, पर लेकिन हमारी आदतें अगर नहीं सुधरेंगी तो कई सारी बीमारियां लगती नजर आएंगी। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि ईट राइट इंडिया अप्रोच के बारे में, जिसके चलते हमारे देश में काफी बड़ा चेंज आप लोगों को नजर आएगा। तो स्मार्ट सिटी जो यहाँ पर अगर बनाएंगे तो स्मार्ट ईटिंग हैबिट भी होनी चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर ट्रांस फैट होता है उसको कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। और भी यहाँ पर RAMN 1.0 देखने को मिलेगा, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स हो गया, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम हो गया, ईट राइट हो गया। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करती नजर आती है, जो कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 के एक्ट के थ्रू। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाए अगर हेल्थ के बारे में, खाने के बारे में, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए देखिए एग्जाम में, इस तरीके से आप लोगों को चीजों को कवर करना है, ठीक है। बेसिक चीजें यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कंज्यूमर अफेयर है उन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री अश्वनी कुमार चौबे, इनके द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली अगर बात करें तो यहाँ पर तो काफी इंपोर्टेंट है, लोकसभा में इन्फॉर्म किया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड यहाँ पर कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कैसा देखने को मिल रहा है, यानी पीने का पानी कैसा हमारे देश में देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का यूपीएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन जो है हमारी कंट्री में इसलिए लॉन्च किया गया ताकि 2024 तक अपने देश में पाइप वाटर यानी कि पानी है पीने का वो हम लोग प्रोवाइड करा सके। तो इसको लेकर आगे चल रहे हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर हम लोग बेसिकली लोकल को साथ में लेकर चलेंगे, और यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट भी दोनों मिलकर काम करेंगे, और कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इतना यूज करना है वो बात करेंगे। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आता है संविधान के अंदर जब आप लोग पानी के बारे में बात करते हैं तो एंट्री 17 में यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर में इसको रखा गया है, ठीक है, अगर टोटली आप लोग वोटर के बारे में बात करो। पर लेकिन अगर इंटर स्टेट रिवर के बारे में आप लोग बात करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जो रिवर जा रही है, नदी जा रही है, तो यहाँ पर तीनों लिस्ट जो होती हैं सातवें शेड्यूल में, लिस्ट एक सेंटर की लिस्ट, लिस्ट बी स्टेट की लिस्ट, और लिस्ट सी दोनों की लिस्ट, कौन कौन लिस्ट, तो उसमें इसको यहाँ पर कौन कौन लिस्ट में 56 में रखा गया है, ठीक है।
तो सॉरी यूनियन लिस्ट के अंदर में, ठीक है। तो यानी कि यहां पर सेंटर अपने हिसाब से काम कर रहा है, स्टेट अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो जी यहां पर अंडर जो लिस्ट है यहां पर 56, तो पार्लियामेंट जो है वो रिवर बोर्ड बनाती है 1956 में, ठीक है। देखिए याद रखिए एंट्री 56 है और एक्ट भी 56 है, तो याद रखना, ताकि रिवर डिस्प्यूट को भी यहां पर रिजोल्व किया जा सके। तो ये ऐसे मुद्दे कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब BIS के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे, इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है हमारे देश में, जो कि यहां पर स्टैंडर्ड के बारे में बताती है कि कैसा कैसा स्टैंडर्ड है चीजों का। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर में यहां पर ये आती है, और यहां पर बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर यहां पर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश की गई थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 2016 में, और एक्स ऑफिशियो जो प्रेसिडेंट है यहां पर इसके, वो आप लोग याद रखिएगा, बेसिकली जो यही इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, ठीक है, इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। तो ये बॉडी भी मैंने आप लोगों को यहां पर कवर करा दी न्यूज के साथ साथ में, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अगर आप लोगों के माइंड में चीजों को लेकर क्लैरिटी होगी तो फिर आप लोग कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए कहता हूं मैं, एक एक पॉइंट पर अगर क्लियर रहेंगे ना आप लोग, तो फिर चीजें आप लोग को आसानी से जो है वो कवर करती हुई नजर आएंगी। और चीजों को रटना नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ चीजों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, अगर चीजों को समझ के चलोगे तो ही आप लोगों को चीजें जो है वो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आइए अभी हम लोग बात करेंगे बेसिकली किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर इंदौर इसी के साथ में गोंडिया हैदराबाद, तो ये रूट यहाँ पर लाया रीजनल कनेक्टिविटी के तहत। तो उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक में जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसके थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के थ्रू यहाँ पर काम किया गया। हमारे देश में रीजनल कनेक्टिविटी जो स्कीम है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा 2016 में लॉन्च की गई, ताकि एविएशन मार्केट को यहाँ पर बढ़ाया जा सके और अफोर्डेबल इकोनॉमिक यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराया जा सके। इसी के साथ में हम लोगों ने सागर सी प्लेन सर्विस भी स्टार्ट की, यहाँ पर MBCS प्रोजेक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के अंडर में आता है, और यहाँ पर एयर लेंथ जो यहाँ पर बेसिकली पोटेंशियल जो एयरलाइन ऑपरेशन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, इन्हें जब पानी के ऊपर जहाज चलाना इस तरीके से, ठीक है। तो कई जगह कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो देश के अंदर हम लोग ऐसी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे कनेक्टिविटी भी बनी रहे और चीजें जो हैं वो हम लोग आगे लेकर चल सके। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला। ये जो न्यूज है ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मूवीज जो होती है उनको टैक्स फ्री कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, क्या सब मूवी को टैक्स फ्री कर सकते हैं, फिर कोई क्राइटेरिया होता है। तो अभी यहां पर हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, बोर्स कई सारे राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया बेसिकली द कश्मीर फाइल को। तो टैक्स फ्री करने का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे देश में जो टैक्स जाता है टिकट के ऊपर, खाने के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर, कोई भी सामान खरीदते हैं उनके ऊपर, तो GST लगता है जिसको आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो अगर 100 रुपए तक का टिकट है तो 12 रुपए बेसिकली 12% यानी कि 12 रुपए टैक्स लगेगा। अगर 100 रुपए से ऊपर का टिकट है तो 18% टैक्स लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 100 रुपए से नीचे है तो 12% जितना भी होगा वो टैक्स लगेगा, और 100 रुपए से ऊपर है तो 18% टैक्स लगेगा यहाँ पर उस मूवी के टिकट के ऊपर में। तो यहाँ पर अभी ये बोला गया कि अगर यहाँ पर जैसे कि टैक्स फ्री किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का टैक्स होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना टैक्स जो है वो फ्री नहीं कर रही है, यहाँ पर ओनली स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स फ्री कर रही है। तो ये याद रखना, अगर यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए 12 रुपए है लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 12 रुपए लग रहे हैं तो 6 रुपए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाते हैं और 6 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 6 छोड़, स्टेट गवर्नमेंट ने 6 छोड़ दिए पर सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, पर लेकिन अगर 18 लग रहे हैं तो नोनो हो गया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो स्टेट अपना छोड़ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है जिसको आप लोग इंडियन सेंसर बॉडी बोलते हैं, 1912 में यहां पर बनाया गया था, जो कि हमारी कंट्री में यहां पर बेसिकली ये सर्टिफिकेशन देने का काम करता है। फॉरेन या फिर डब्ड जो मूवी होती है उनको यहां पर सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसी के साथ में CBS जो है यहां पर, जो CBFC जो है यहां पर, ये एक तरीके से इशू नहीं करता है अगर कई बार अगर कि एक तरीके डब मूवी हो रही है, हालांकि ऑलरेडी इशू कर दिया, पर बाहर से अगर कोई मूवी आ रही है तो उसके लिए फिर से देता है सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें, इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी स्टेट PCS में पूछा गया था और मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाया भी था, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतनी अच्छी चीजों को एंजॉय कर पाओगे। एक साइक्लोन बनता मतलब एक था साइक्लोन के बारे में था कि साइक्लोन बनेगा, पर लेकिन फिर भी यहां पर आसानी यहां पर इसका नाम याद रख लिया, श्रीलंका के द्वारा इसका नाम दिया गया था। ऐसा नहीं लगा जैसा कि ये साइक्लोन बनेगा, मतलब उतना इंपैक्ट नहीं था जितना लग रहा था कि इंपैक्ट डालने वाला है, पर फिर भी न्यूज में था तो याद रखिएगा। ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी यहां पर बेसिकली इसके लिए वार्निंग इशू कर दी गई थी कि नदी के अंदर, मतलब नदी बोलो सॉरी, जो सी के अंदर मत जाना, ठीक है। साइक्लोन के बारे में याद रखेगा, नॉर्मली जो साइक्लोन होते हैं इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, यहाँ पर साइक्लोन बोल दिया इसको, ठीक है, इंडियन ओशन वाले रीजन में। जापान में टाइफून बोल दिया, अगर यहाँ पर USA की साइड में जाएंगे हुरिकेन बोल दिया यहाँ पर इसको, और अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो लोकल एरिया में इसको विली विली के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी एक छोटी सी न्यूज थी यहाँ पर मेडागास्कर के रिलेटेड, आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव और ग्रीन ट्रायंगल नेम आफ्टर महात्मा गांधी यहाँ पर बेसिकली इनोग्रेट किया गया मेडागास्कर के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है जिसका नाम है यहाँ पर एंटानारिवो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया, तो यहाँ पर इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे और हमारी कंट्री के जो यहाँ पर बेसिकली एम्बेसडर थे मेडागास्कर में अभय कुमार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो महात्मा गांधी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया ग्रीन ट्रायंगल महात्मा गांधी जी के साथ में कनेक्ट करके, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट आप लोगों से, एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेडागास्कर के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो यहां पर देखते हैं ये हो गया मेडागास्कर, नीचे अपनी कंट्री यहां पर है और यहां पर मेडागास्कर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर यहां पर देख सकते हैं, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर किया करो, अगर कंफ्यूजन साथ में लेकर चलोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हमेशा आप लोग दूर लेकर चलो, ये आप लोग देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया होगा, तो मोजाम्बिक चैनल देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मोजाम्बिक हो गया, ओके। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोगों के माइंड में क्लियर रहना चाहिए। और याद होगा मैंने महात्मा गांधी के नाम पर आप लोगों को ये सारी बातें बताई थी। महात्मा गांधी जी थे 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर में पैदा हुए थे। 3 इंपोर्टेंट इनके सत्याग्रह हैं, चंपारण ये 1917 में, खेड़ा 1918 में और अहमदाबाद यहाँ पर 1918 में। CAKE यानी कि केक के याद रखते हैं, चीजें चंपारण, एक से अहमदाबाद और के ई से यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी यहाँ पर ये हिंद स्वराज और माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, इसी के साथ में 30 जनवरी जो है ये मार्टर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। तो ये गांधी जी से रिलेटेड है बेसिकली, जिनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो कि आप लोग समझ सकते हैं। एक और एक्सरसाइज के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, इंडियन जो आर्मी है उसके द्वारा यहाँ पर अभी सेशंस में एक्सरसाइज की बात की गई 9th edition जिसका नाम था यहाँ पर बेसिकली लमिटेड, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी यहाँ पर इंडियन जो है डिफेंस और बेसिकली सेशंस की आर्मी के बीच में। एक्सरसाइज 2001 में स्टार्ट की गई थी यहाँ पर और ये एक तरीके से बायनल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। याद रखते हैं यहाँ पर सेशंस जो है एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, अपनी कंट्री में इंडियन ओशन के अंदर आप लोग आओगे तो आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आप लोगों को, एक सेकेंड, ये देखिए ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया सेशल्स यहाँ पर बेसिकली है। नीचे थोड़ा सा आओगे तो आप लोग यहाँ पर मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड भी मिल जाएगा और इधर ये सारे मैंने आप लोगों को दिखाई दिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, अगर आप लोग चीजों को समझना चाहते हैं अच्छे से तो उनको आप लोग बेसिकली अच्छे से याद रख सकते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है पर लेकिन अगर मैप को आप लोग रेगुलर देखते रहोगे ना तो फिर कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि चीजों को आप लोग रिवाइज करते रहो अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा कभी भी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेक्निक यहाँ पर न्यूज में थी जिसको बोला गया साउथ अफ्रीका बूमा टेक्निक। तो बूमा टेक्निक जो थी बेसिकली यहाँ पर हिरन को पकड़ने के लिए यूज की गई पहली बार यहाँ पर, ठीक है। हमारी कंट्री में यहाँ पर राजस्थान के अंदर में फर्स्ट टाइम जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है उससे ट्रांसलोकेट करना था डियर को बेसिकली, ठीक है। तो कैनेडियो नेशनल पार्क जो आप लोगों को देखने को मिला इधर से, ठीक है। तो बेसिकली बात की गई यहाँ पर ये जो फर्स्ट टाइम यूज की गई जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि ट्रांसलोकेट किया जा सके चीतल स्पॉटेड डियर जो रहता है कैलेडियो नेशनल पार्क से, ठीक है। तो यहाँ पर मुकुंद्रा जो हिल, तो ये सारी चीजें हैं। तो कैलेडियो नेशनल पार्क जो है ये आप लोग कैलेडियो घाना नेशनल पार्क, ये इसके बारे में याद रखिएगा। भरतपुर जो बेसिकली बर्ड सेंचुरी के नाम से भी इसको जानते थे, ये राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मैन मेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको अडॉप्ट किया गया 1971 में। कई बार बेसिक चीजें होती हैं जो कि आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, तो हल्का हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखोगे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिक चीजें होती है कई बार यहाँ पर, ये सिचुएशन जिनको आप लोग समझ सकते हैं। एक काफी एक गंभीर दुर्घटना देखने को मिली थी, एक 26 साल की महिला का रेप किया गया उसके हस्बैंड और उसके बच्चे के सामने। तो यहाँ पर ये जो संज्ञान यहाँ पर ये न्यूज में आई है सारी चीजें, तो फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो पिक्चर में आया और उसने यहाँ पर वहां के जो एसपी थे और जो सारे लोग थे उनको बोला कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस पूरे जो मुद्दे का संज्ञान मुझे चाहिए। तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो यहाँ पर सर्विलेंस करना, कैसे यहाँ पर चीज चल रही है, एड्रेस करना कोई ग्रेवेंस, अगर कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुमेन के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 में और पहली महिला जिनका नाम था यहाँ पर जयंती पटनायक, ये क्वेश्चन बन सकता है, जिसकी चेयरपर्सन बनी। इसके अंदर आप लोगों को एक चेयरपर्सन, एक मेंबर सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर, यानी कि 7 मेंबर की ये बॉडी है। तो यहाँ पर ये काफी बुरी दुर्घटना मुझे लगी थी उस टाइम पर, सोचो आप लोग कितनी बुरी सिचुएशन है यहाँ पर अगर कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, और कभी भी यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिले तो यार हमेशा उन चीजों को अपोज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बुरी कंडीशन क्रिएट यहाँ पर हो जाती है अगर कोई ऐसा माहौल देखने को मिलता है तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है फिर वो सुसाइड तक कर लेता है अगर कोई ऐसा सिचुएशन बन जाती है। आगे बात करते हैं, दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल का दर्जा दिया गया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर में। तो ये जो IQ एयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसमें हमारी कंट्री में जो बेसिकली ये है भिवादी अलवर के अंदर में ये सबसे बेसिकली पोल्यूटेड सिटी रही। देखिए दुनिया में जितनी भी कैपिटल है ना, राजधानी है, उनमें सबसे पोल्यूटेड राजधानी हमारी दिल्ली,
और दुनिया में जितनी भी सिटी है सारा एरिया सबको मिला देगा। तो यहाँ पर अलवर के अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है भिवादी, तो ये सबसे मोस्ट पोल्यूटेड एरिया आप लोगों को देखने को मिला। किस बेस पर चेक करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाई, तो इनके ये तो ही है, इनके कई सारे दोस्त भी हैं यहाँ पर ये, ठीक है। NO2 हो गया, SO2 हो गया, SCO2 हो गया, यहाँ CO2 हो गया, O3, NH3, PB, ये देखने को मिलेंगे यहाँ पर। आप लोगों को अगर इनको काउंट करना है तो जैसे बाल हो गया, ठीक है, सर का बाल, तो उसमें आप लोग यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो एक बाल भी इतने सारे आ जाएंगे, इतने महीन पार्टिकल्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी संख्या कैसी होगी, ये किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। और जब एयर क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं एयर क्वालिटी कैसी देखने को मिल सकती है। 0 से 50 के बीच में गुड क्वालिटी, 51 से लेकर 100 सेटिस्फैक्टरी, 100 से यहां पर 101 से 200 तक मॉडरेट, 201 से 300 तक पुअर, 301 से 400 तक वेरी पुअर, और यहां पर सीवियर आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली मुद्दे हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हमारा देश कितना खुश है इसके ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई, तो इसके बारे में समझिएगा। इसको बोला गया थर्ड, इसको बोला गया बेसिकली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 136 हमारी रैंक यहाँ पर देखने को मिली, फिनलैंड यहाँ पर टॉप पर थी, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, और इसी के साथ में आइसलैंड और स्विट्जरलैंड फिर आप लोग को देखने को मिलेंगे। हमारी जो रैंक है वो 136 पोजीशन आप लोग को यहाँ पर नजर आए। अगर बात करें यहाँ पर इंडिया की रैंक के बारे में, यहाँ पर जो 136 पोजीशन है अगर बात करें हमारी कंट्री की जो रैंक है, तो यहाँ पर इसी के चलते अगर पुराने टाइम पर आप लोग यहाँ पर इसको काउंट करोगे, हमारी जो रैंक थी वो 139 थी, तो हम लोगों ने इंप्रूव कर ली यहाँ पर, अभी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। सबसे बुरी कंडीशन जो है वो है अफगानिस्तान की, वो सबसे बुरी कंडीशन पर है 146, यानी कि अफगानिस्तान ने नीचे से टॉप किया है। हालांकि हमारी भी कोई ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, हमसे बस थोड़ा सा ही नीचे है अफगानिस्तान। पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क 2012 से, ठीक है। एम ये रहता है कि जाने कि कौन कौन सा देश जो है वो कितना खुश है, बाकी यहां से रिपोर्ट से क्या पता चलता है वो तो पता नहीं, पर हाँ फिर भी चीजें जो है वो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं तो माइंड में आप लोगों की जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ही अच्छा यहां पर रहेगा, ओके। ये मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। हम जो है आजकल में बोल रहे थे रशिया से तेल खरीद रहे हैं, 1 से लेकर 2% तक हम लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं। अगर बात करें एक दिन की रिक्वायरमेंट है 5 मिलियन बैरल, यानी कि 50 लाख बैरल, एक बैरल में अगर बात करें तो लगभग 158.97 लीटर आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2008 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि इतने करीबी करीबी ऑप्शन नहीं थे यहां पर। तो यहां पर अगर बात करें 158, अगर दोनों दे रखे यहां पर तो 158 लगाइएगा, और अगर दोनों नहीं दे रखे तो 15.159 लीटर आप लोगों को लगाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इराक से खरीद रहे हैं तेल, फिर सऊदी अरेबिया, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर यूएसए। ये सारी बातें मैंने बताई थी, फोर्थ बिगेस्ट हम लोग को बेचने वाला यूएसए बन गया अभी रिसेंटली, तो उसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में आ गया था, ठीक है। अगर बात करें नीरज चोपड़ा को, अभी यहाँ पर जो स्पोर्ट जो बेसिकली यहाँ पर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मेल की कैटेगरी में, फीमेल में मीराबाई चानू को यहाँ पर अवार्ड दिया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जो इनकी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली उसके सामने सब कुछ धरा का धरा रह गया, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर जिसको आप लोग समझ सकते हैं, और कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। कई बार नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाए हम लोग बोलते हैं कहाँ से क्या हो गया, तो कंफ्यूजन आप लोग इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी बेसिकली किसके बारे में, ये था यहाँ पर प्रिटजर आर्किटेक्चर प्राइज के बारे में। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी थे जिनको यहाँ पर दिया गया बुर्किना फासो के, जिनका नाम था यहाँ पर देविदो फ्रांसिस कारे, ठीक है। तो इनको यहाँ पर दिया गया फर्स्ट अफ्रीकन जो इस अवार्ड को जीते, तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड यहाँ पर इनको दिया गया। इसको आर्किटेक्चर के फील्ड में नोबेल प्राइज के तरीके से काउंट किया जाता है, जैसे नोबेल प्राइज होता है आर्किटेक्चर के फील्ड में, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फाउंड किया गया था जे एंड जो सैंडी प्रिटजर के द्वारा, और ये बेसिकली जो हयात फाउंडेशन इसको देती है, इससे पहले एनी लैक्टन और इसी के साथ में जेनी फिलिप जो वेसल है इनको यहाँ पर ये मिल चुका है 2021 में, 22 में यहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला है। तो काफी शानदार आर्किटेक्चर इनके द्वारा तैयार की गई कई सारी, जो मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी उस टाइम पर, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर अभी बात करें तो वो इम्प्रूव हो गई यहाँ पर ग्लोबल हाउसिंग प्राइसिंग में, तो अभी यहाँ पर जो निकल कर आई तो हमारी रैंक जो है 51 पोजीशन पर हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अगर बात करें यहाँ पर तो ये बेसिकली जो यहाँ पर नाइट फ्रैंक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये 1896 बनाया गया, हेडक्वार्टर इसका यूके में देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड की लीडिंग इंडिपेंडेंट रियल इस्टेट कंसल्टेंट एजेंसी है, तो ये बताती है कहाँ कहाँ पर कितने घर जो है वो कितने महंगे बिक रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उसके बारे में बेसिकली ये बताती है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि याद रखिएगा। ऑटोमेटिक मशीन के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। ऑटोमेटिक मशीन जो है DRDO के द्वारा, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया कॉर्नर शॉट वेपन, तो यहाँ पर डिजाइन की गई स्पेशल पर्पज वेपन यहाँ पर, जिसको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा DRDO की जो एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है पुणे में बनाया गया।
डीआरडीओ एस्टेब्लिश की गई थी 1958 में, और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो भी यहाँ पर हथियार वगैरह बनाए जाते हैं तो डीआरडीओ उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करती है। एक काफी मैप बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर, सोलोमन आइलैंड के बारे में याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो चिंता में पड़ गया जब यहाँ पर चाइना ने अपना मिलिट्री प्रेजेंस दिखाने की बात की गई सोलोमन आइलैंड के ऊपर में। सोलोमन आइलैंड जो है मेलिनेशिया में आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया, इसको बोलते हैं मेलिनेशिया, इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया और इधर हो गया पोलिनेशिया। तो ये सारा जो रीजन आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और कई बार इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे, वोल्केनिक एरिया है यहाँ पर, कई बार ज्वालामुखी फटते हुए नजर आते हैं। और मैंने ये भी बताया था यहाँ पर, ये आप लोगों को बेसिकली एटोल्स जो यहाँ पर कोरल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है बीचों बीच अगर यहाँ पर इसके आसपास में कोरल रीफ आ जाए तो वो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन में नजर आते हैं। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूएसए ने अपनी एम्बेसी भी लगाने की बात की थी और अभी यहाँ पर इनके द्वारा भी ये बातें बोली गई। तो इस तरीके से कई बार कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात की गई यहाँ पर, ताकि इनोवेशन लाया जा सके पर्टिकुलर सेक्टर में। तो एक कंपनी एक्ट के थ्रू यहाँ पर बेसिकली सिस्टम एस्टेब्लिश किया जा रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको अपने कंट्रोल में रखेगा चीजों को सारी अच्छे तरीके से, जिसके चलते चीजें अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। एक मैंने प्रस्तुत किया था पांचवा एडिशन यहाँ पर बेसिकली वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, सॉरी वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था कि वुमेन कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, तो वुमेन का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम लोगों ने सारी बातें की थी। तो कोई कंफ्यूजन इसके बारे में आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इसके बारे में, तो कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा ही एक और यहाँ पर नीति आयोग पार्टिसिपेट कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस के साथ में, और एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स इसके द्वारा रिलीज किया गया। तो अगर पूछ लेगी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर, और गुजरात की इसमें पहली रैंक थी, महाराष्ट्र दूसरे, कर्नाटक तीसरे और तमिलनाडु चौथे नंबर पर। तो पहले गुजरात, फिर नीचे महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, सॉरी फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो ऊपर से नीचे तक ऐसे आना था, मैंने आप लोगों को बताया था। चार पिलर है, पॉलिसी, बिजनेस, इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट और इसी के साथ में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन भी कोई पूछ ले तो आप लोगों को एक एक पॉइंट अगर क्लियर रहेगा तो सही रहेगा, सही तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। एक प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को पता रखना है यहाँ पर, जो कि हॉर्नबिल नेस्ट एडेप्शन प्रोग्राम है, 2011 में लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। पर लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ये जो यहाँ पर प्रोग्राम है काफी ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिला, पर इसके साथ में याद रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में देखने को मिलता है। ये हॉर्नबिल को प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हमारे देश में, और आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश और केरला का ये बेसिकली स्टेट बर्ड भी है हॉर्नबिल। तो ये मैंने आप लोगों से बेसिकली बातें की थी जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी साहब के, ईरानी जी के द्वारा भारत भाग्य विधाता ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया लाल किले के ऊपर, और रेड फोर्ट जो फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि इनोग्रेट करिए दूसरी और ये करिए दूसरी, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था रेड फोर्ट। अगर कोई आप लोगों से हिस्ट्री पूछे यहाँ पर, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा मिलकर यहाँ पर बेसिकली आर्किटेक्चर तैयार किया गया था। दीवाने आम लोगों के लिए रहता है, जो आम लोग है, और दीवाने खास बेसिकली प्राइवेट ऑडियंस के लिए। पीकॉक थ्रोन जो था यहाँ पर तोड़ा गया था नादिर शाह 1739 के अंदर में। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बीमारी जो कि काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गई थी कॉन्ट्रोवर्सी के साथ में, याद रखेगा, एलोपीशिया। तो एलोपीशिया नॉट कॉन्टिग्यूअस, यानी कि टच करने से नहीं फैलती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बॉडी में देखने को मिलता है, जिसमें या तो स्कैल्प या फिर बॉडी के अंदर पूरे हेयर जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को तैयार आएगा, तो ये बीमारी जो है इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से रिलेटेड यहाँ पर बातें जानी थी, केरला के अंदर में यहाँ पर जो इशू निकल कर आया था, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बारे में पता होना चाहिए कि भारत बंद की जब बातें की गई यहाँ पर, तो बोला गया अगर कोई यहाँ पर बेसिकली अगर यहाँ पर छुट्टी मारेगा तो डाइज नोन, यानी कि उसको सैलरी नहीं दी जाएगी अगर छुट्टी मारेगा, तो जितना काम करेगा उतनी की सैलरी मिलेगी। इसके चलते हम लोगों ने चीजें देखी थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, और इसी के साथ में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ पर बेसिकली जोसेफ बेसिकली बैप्टिस्ट था, ठीक है। तो ये इनके बारे में आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि समझ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने एक आप लोगों को यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक ट्राइंगल जो कि याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये ट्राइंगल पूछा जा सकता है आप लोगों से, गोल्डन ट्राइंगल। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू इक्वलिटी, और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, ये यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाता है जिसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर कोई यहाँ पूछ ले, गोल्डन ट्राइंगल जो है वो किस केस से निकल कर आया था, तो याद रखिएगा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहाँ से निकल कर आए थे, जिससे गोल्डन ट्राइंगल निकल कर आया था।
तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, माइंड में क्लैरिटी रखनी है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा रहा आप लोगों के लिए जरूर बताएगा। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहां पर सारी मैं प्रोवाइड कराई देता हूं जैसा मैंने आप लोगों को बताया। और लेक्चर कैसा लगा फीडबैक देकर जरूर जाएगा। और इसी के साथ में अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट करिए, अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करते रहिए, और अपनी आप बेसिकली कोशिश करो खुद भी खुश रहो और आसपास का माहौल भी खुशनुमा बनाए रखो। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हां, अगर आप लोग इस वीडियो का फायदा उठाना चाहते हैं तो रेगुलर वीडियो जरूर देखा करो, तब आप लोगों को और प्रोडक्टिव लगेगी ये वीडियो। ठीक है।